अच्छा देख, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो मुझे जस्ट कंफर्म करना एक बार। हाँ, यस हो गया ना? सर, ओके सर, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। सॉरी, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। अच्छा, तो फिर बात क्या है सर? बात यह है कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना सर? बहुत ही सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और आज इकोनॉमिक्स में क्या है? आज मोनोपोली पढ़ेंगे सर। क्या है सर, क्या पढ़ेंगे? मोनोपोली। हाँ शालिनी, मोनोपोली के बारे में पहले कभी सुने हो क्या? मोनोपोली मार्केट के बारे में कोई आइडिया, या किसी से सुना होगा? हाँ या ना? यस सर, यस सर, वेरी गुड। कहाँ कहाँ सुने हो सर मोनोपोली के बारे में, या क्या सुने हो मोनोपोली के बारे में, बोलो। मोनोपोली मतलब एक बिजनेस हो और बहुत सारा उसका कस्टमर हो। एक बिजनेस हो और उसका बहुत सारा कस्टमर्स हो, मतलब उस बिजनेस का कोई कॉम्पिटिटर ना हो, ऐसा ना? उस बिजनेस का यस सर, कोई कॉम्पिटिटर ना हो, या फिर अगर कॉम्पिटिटर हो भी तो बहुत कम, बहुत कम, मतलब हार्डली एक दो कंपनी, इससे ज़्यादा नहीं। इट्स लाइक मोनोपोली, ठीक है? मतलब मार्केट में इनके जैसा बिजनेस ज़्यादा लोग नहीं करता हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ वो अकेला करता हो। अगर सिर्फ अकेला कर लिया तो फिर प्योर मोनोपोली है, मतलब उसके जैसा बिजनेस और कोई नहीं करता। अर्पिता, शवन्निता, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शवन्नी, सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ओके, तो बात क्या है सर? आज मोनोपोली मार्केट के बारे में मैं डिटेल चर्चा करने वाला हूँ आपसे। जैसे मैं मोनोपोली मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ सर, मोनोपोली मार्केट ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग करेंटली जिस चैप्टर के अंदर हमारा डिस्कशन चल रहा है वो है आपका थ्योरी ऑफ मार्केट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट। मतलब सर, ये जो मार्केट जो है ना सर, ये मार्केट के बारे में मैंने आपको लास्ट दो तीन क्लासेस से बोले जा रहा हूँ कि मार्केट होता है, मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट हो सकता है, जिसमें लोकल मार्केट, स्टॉक मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। बट सर, इकोनॉमिक्स का ना एक अपना ही एक उसका सुर है। वो सुर क्या है? वो कंपटीशन के बेसिस के बेसिस में मार्केट को समझता है। ये जो इकोनॉमी है ये कंपटीशन के बेसिस में मार्केट को अलग करता है। उसमें जैसे कि हम लोग बहुत डिटेल्स में बात करके आए लास्ट दो चार क्लास में, परफेक्ट कंपटीशन याद होगा आप लोगों को, है ना? परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में बात किया, परफेक्ट कंपटीशन कैसे बनता है, क्या कैरेक्टर होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कार्व, डिमांड के साथ, एवरेज रेवेन्यू के साथ, टोटल रेवेन्यू के साथ कनेक्शंस, ठीक है? कब एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस कब कब प्रॉफिट करता है, कब लॉस कर सकता है, कब एबनॉर्मल प्रॉफिट करता है, कब नॉर्मल प्रॉफिट करता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ों में बातचीत की है परफेक्ट में। वैसा ही जैसे लास्ट वीक तो मैंने आपको परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का सप्लाई के बारे में बात किया कि सप्लाई कर्व इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, और उसमें आपको मैंने ये भी बताया कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस को किस हालत में शट डाउन कर देना चाहिए, शट डाउन पॉइंट याद है क्या? शालिनी, अर्पिता, समन्विता, बोलो सर, याद है कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में जो बिजनेसमैन आता है उसको किस हालत में बिजनेस को बंद करना पड़ता है, मतलब शट डाउन पॉइंट, ऐसे बोलो कि शट डाउन पॉइंट। तो वो चर्चा हुआ था सर लास्ट वीक, क्या रे? थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा। यस सर, यस सर, ओके यस सर, सर, तो ऐसे मैंने लास्ट वीक मोनोपोली स्टार्ट कर दिया था, तो मोनोपोली का कैरेक्टर के बारे में बात मैंने कर दिया था। तो आज मैं मोनोपोली मार्केट का कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि वो लास्ट वीक के क्लास में परफेक्ट कंपटीशन का सप्लाई के साथ साथ मैंने कर दिया था। सप्लाई कॉप ऑफ द फार्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव के साथ ही मैंने मोनोपोली का इंट्रो आपके सामने रख दिया था। तो आज मैं मोनोपोली का इंट्रो तो बताऊंगा, बट थोड़ा डिफरेंट वे में बताऊंगा, ठीक है? और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, आज मैं आपको मोनोपोली समझाने के लिए दो रियल लाइफ केस स्टडीज भी लिया। रियल लाइफ केस स्टडीज सर, ये क्या है? केस स्टडीज क्यों सर? केस स्टडीज क्या होता है ना, अगर आप जो पढ़ते हो किताबों में, जो आप किताबों में पढ़ते हो, अगर वही चीज़ आपको रियल लाइफ के साथ जोड़ दिया जाए, मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ, प्रैक्टिकल इकोनॉमिक वर्ल्ड के साथ अगर आपको जोड़ दिया जाए, तो आपका किताब का जो पढ़ाई है ना, वो किताब की पढ़ाई को ना आप अपने आंखों के सामने देख सकते हो, या फिर
देखने के लिए रेडी हो सकते हो। हो सकता है कि आप लोग उतना बड़े नहीं हुए, आपको इतना इकोनॉमी मार्केट का नॉलेज अभी आया नहीं, बट कुछ दिनों में आ जाएगा, डोंट वरी सर, कुछ दिनों में ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ दिनों में ऑटोमेटिक आप लोग मार्केट इकोनॉमी का बात करने लगोगे, क्योंकि क्योंकि इकोनॉमी मार्केट के बारे में बात करना ही पड़ता है। क्यों? बिकॉज बिजनेस है, इकोनॉमी है, तभी तो दुनिया में जो डे टू डे लाइफ है ये चलता है ना। ऊपर से देखो, आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो चिंतन है, जो आपका सोच है, वो बिजनेस के तरफ, इकोनॉमी के तरफ ऑटोमेटिक फ्लो करेगा, ठीक है। तभी तो आप एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के हिसाब से सक्सेसफुल भी बन पाओगे, है ना। तो इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, अकाउंट्स, बिजनेस, दीज आर योर पार्ट ऑफ लाइफ, ओके, दीज आर योर पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर आपके आपके साथ ये सब चर्चा चलेगा सर, अभी लाइफ लॉन्ग चलेगा। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ाई कर रहे हो एज ए सी एस स्टूडेंट्स, एज ए चार्टर्ड स्टूडेंट्स, या फिर एज ए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, शायद आप अभी सोच रहे हो कि भाई अभी पढ़ लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। नहीं सर, ये जिंदगी भर चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो आज मैं मोनोपोली के लिए आपके साथ क्या चर्चा करने वाला हूँ, चलो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। और जो केस स्टडीज के बारे में बात कर रहा था, IRCTC का केस लॉ केस स्टडीज करूंगा आपके साथ, मतलब केस स्टडीज मतलब IRCTC का कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा कि क्यों IRCTC। याद होगा आप लोगों को, लास्ट क्लास में बताया था कि IRCTC नाम तो सुने होंगे कंपनी का, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के नाम पे चलता है, ठीक है। IRCTC इंडियन रेलवे का एकमात्र सर्विस देने वाला ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंडियन रेलवे का ही एक सब्सिडियरी के तौर पे चलता है, ठीक है, जिसमें इंडियन रेलवे का मतलब आप लोग ट्रेन में चढ़ोगे ना, कहीं दूर दूर के जर्नी करोगे ट्रेन में, तो आपको जो भी सुविधा मिलता है ना ट्रेन का, या जो भी टिकट काटने से लेके स्टेशन में पानी का बॉटल लेने तक, खाना जो भी मिलता है ट्रेन के अंदर, सारा का सारा एवरीथिंग इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय IRCTC, ठीक है। दूसरा कोई कॉम्पिटिटर इसका है नहीं, ठीक है। तो ये क्यों मोनोपोली है? ये प्योर मोनोपोली है। IRCTC या इंडियन रेलवे इज अ प्योर मोनोपोली। लेकिन इसके साथ साथ मैंने मेरे दिमाग में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट का भी चर्चा मतलब चल रहा था मेरे दिमाग में। टेलीकम्युनिकेशन जानते हो सर, ये जो हम लोग मोबाइल में बात करते हैं ना सर, मोबाइल में हम लोग बात करते हैं ना, तो मोबाइल फ़ोन में जो बात करते हैं इसमें नेटवर्क यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई जियो का नेटवर्क यूज़ करता है, कोई एयरटेल का नेटवर्क यूज़ करता है, तो कोई वोडाफोन या आइडिया का, वोडाफोन या आइडिया का नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो आज के डेट में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट भी मोनोपोली जैसा ही हो गया। हाँ, प्योर मोनोपोली नहीं है, बट ऑलमोस्ट लाइक ए मोनोपोली। हाँ सर, ऑलमोस्ट लाइक ए मोनोपोली, ज़्यादा कोई तो है नहीं। अगर सिम लेना है या तो एयरटेल का सिम ले लो, या तो जियो का सिम ले लो, या फिर वोडाफोन आइडिया का सिम ले लो, है ना। तीन ही कंपनी बचा है सर, तीन ही कंपनी बचा है। वोडाफोन आइडिया पहले अलग हुआ करता था, आज वो भी अलग नहीं है, एक हो गया, बिकॉज उनका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया दोनों कंपनी का, तो एक दूसरे को साथ देने के लिए मर्ज हो गया, एक दूसरे को साथ देने के लिए मर्ज हो गया। भाई तुम्हारा भी हालत खराब, मेरा भी हालत खराब, नेटवर्क बिजनेस में पैसा लगाते लगाते पैसा खत्म हो गया, जियो आके मार्केट को थोड़ा सा हिला दिया, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मार्केट को ठीक करने के लिए एक हो जाते हैं, तो एक हो गया। इसलिए आप लोग क्या बोलते हो आजकल, वी। हाँ, चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट आपके, आप जहाँ रहते हो, जिस शहर में आपका घर है, जिस पाड़ा में आपका घर है, जिस मोहल्ला में आपका घर है, आप जरूर देखते होंगे। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के बारे में किसको नॉलेज नहीं है, सबको, बच्चे बच्चे को पता है, गांव गांव से लेके शहर शहर तक, हर जगह में इनका नाम, इनका चर्चा चलता है। सो ये सब मोनोपोली का ही तो कुछ एग्जांपल्स हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या खेल है और किस तरह से मोनोपोली मार्केट में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ बात करेंगे। बहुत सारा चर्चा करना है सर, ओके। मैं आपके साथ IRCTC का भी डिस्कस करूंगा, इंडियन रेलवे का भी, बट इंडियन रेलवे का चर्चा करने से पहले मैं आपसे बात करूंगा सर मोनोपोली के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन सर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो मटेरियल से जो हम पढ़ रहे हैं सर, जिस मटेरियल आपके पास भी है, तो मोनोपोली मार्केट में हम लोग लास्ट वीक कुछ वाइटल डिस्कशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि व्हाट इज मोनोपोली मार्केट सर। इन सिंपल अगर मैं फिर से एक बार वापस से आपको बताऊं कि व्हाट इज मोनोपोली मार्केट, तो इट्स अ मार्केट सिचुएशन इन विच देर इज अ सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट एंड विच इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसको बेचने के लिए एक ही सेलर है और जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे कि रेलवेज, या फिर आप ऐसे नाम लो IRCTC, ठीक है, इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है, इस नाम से चलता है। शेयर मार्केट में भी इसका बहुत चर्चा होता है सर, IRCTC का शेयर का, जानते हैं सर आप लोग, आप लोग शेयर मार्केट के बारे में तो सुने होंगे, हाँ शायद इन्वेस्ट नहीं करते हो, हाँ लेकिन सुने होंगे ज़रूर,
IRCTC, ऐसे बाकी शेयर मार्केट के क्लास में जो सीनियर स्टूडेंट्स लोग हैं ना, वो लोग शेयर मार्केट पढ़ते हैं, और वहाँ पर मैं उन लोगों को IRCTC के बारे में चर्चा करता रहता हूँ। ऐसे IRCTC के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए भी काफ़ी, मतलब लास्ट 2-4 साल से मैं बोले आ रहा, मतलब बोले जा रहा हूँ कि भाई इन्वेस्ट कर लो, इन्वेस्ट कर लो। तो बहुत लोग, जब आया था ना 300 समथिंग में आया था, ठीक है, उसके बाद स्प्लिट कर दिया। वो स्प्लिट क्या होता है अभी मैं नहीं बता सकता आपको, ठीक है, अब समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। बस इतना बोल सकता हूँ आपको कि ये स्टॉक मार्केट में आया और धीरे 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 इसका शेयर, देखो सर आप देख सकते हो, अगर इस लेवल में ही देखो, कभी 155 हुआ करता था तो अभी 850 के आसपास है, ठीक है, वो भी ज़्यादा बात नहीं है। 5 साल में, इवन 1 साल में भी देख सकते हो, 400 का शेयर 1 साल में डबल, 800 हो गया, 850, 800 हो गया। सो दैट इज़ हाउ इट्स वर्क। मतलब अगर बिजनेस में मोनोपोली है, अगर बिजनेस में मोनोपोली है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, देख रहे हो ना सर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ई टिकट बुकिंग, सब कुछ इनके हाथ में, मोनोपोली है सर, एकदम बिल्कुल मोनोपोली। तो मोनोपोली बिजनेस का उदाहरण के साथ ही मोनोपोली को समझने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो मोनोपोली का कुछ कैरेक्टर होता है, जैसे इंडियन रेलवे या फिर IRCTC जैसे बिजनेस का कुछ कैरेक्टर होता है। क्या कैरेक्टर होता है सर? जैसे कि इसका कुछ मेन मेन कैरेक्टर को अगर आपको याद दिला दे फिर से, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, बेचने वाले एक, खरीदने वाले अनेक, बेचने वाले एक, खरीदने वाले अनेक, समझ में आ रहा है सर? सेल करने के लिए ओनली वन, बट परचेस करने के लिए लॉट्स ऑफ, परचेस करने के लिए लॉट्स ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। देर इज ओनली वन फर्म प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग प्रोडक्ट, एक ही फर्म है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। द सिंगल फर्म कॉन्स्टिट्यूट द इंडस्ट्री, एक ही फर्म, वही इंडस्ट्री। मतलब रेल का, रेलवेज में आप सोचो एक बार, जो फर्म है वही तो इंडस्ट्री है। हाँ सर, मतलब रेलवेज का फर्म कौन है? अगर मैं सिर्फ IRCTC का ही नाम ले लूँ या इंडियन रेलवे का भी नाम ले लूँ, यही फर्म है और यही इंडस्ट्री है, दूसरा कोई है नहीं। अगर रेल एक इंडस्ट्री है, इफ रेल इज एन इंडस्ट्री, हाँ, रेल में बहुत लोग काम करते हैं, बहुत लोग क्या, एक्चुअली इंडिया का सबसे ज्यादा लोग काम कहाँ करते हैं? रेलवेज में करते हैं, जानते हो आप लोग? इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब कहाँ नो कहाँ सर, क्रिएट होता है? नो सर या यस सर? नो सर, नो नो सर, सर जान लो सर, सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं रेलवेज में, ये भी आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा। इतना जॉब भारत में और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर पाया जितना इंडियन रेलवेज करते हैं। इवन इंडियन रेलवेज वर्ल्ड के टॉप जॉब क्रिएटर्स में से एक है, ठीक है, वर्ल्ड के टॉप जॉब क्रिएटर्स में से एक है। कितना लोग काम करते हैं इसके पास, देखते हैं, चलो डेटा मिल जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, इनके पास एम्प्लॉइज कितना है? इंडियन रेलवेज एम्प्लॉइज सर, हिसाब बता रहे हैं कि मेंबर्स है इसका 20 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स, बट इसमें कितना लोग जॉब करते हैं ये डेटा अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इंडियन रेलवे ऐसे देखते हैं, लार्जेस्ट से देखने से हो जाएगा, लार्जेस्ट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट कंपनी इन इंडिया, इससे आपको एक नॉलेज हो जाएगा। ये देखो सर, मिल गया मुझे लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडिया, ठीक है। सबसे ऊपर किसका नाम है, दिखाई दे रहा है क्या? लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स का नाम इसमें है, सबसे टॉप में किसका नाम है सर, आप ही बताओ। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे है ना, 1.4 मिलियन, ठीक है, इतना लोग इनके पास जॉब करते हैं। उसके बाद है सहारा इंडिया परिवार, इसके पास भी 1.4 मिलियन। इंडियन आर्म फोर्स, मतलब आर्म फोर्स मतलब ये आपका जो सेना में होते हैं सर, ठीक है, उसमें 1.3 मिलियन, ये भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म फोर्स में से एक है, डिफेंस में, ठीक है, जो लोग बॉर्डर में लड़ने जाते हैं, CRPF, RPF, इस तरह का, ठीक है, इंडियन आर्म फोर्स स्पेशली मिलिट्री, CRPF वगैरह को इसके अंदर लाया जाता है। TCS में इसके बाद प्राइवेट लेवल में आ जाते हैं, IT इंडस्ट्री में,
5,25,000 प्राइवेट लेवल में, TCS बहुत जॉब क्रिएट करते हैं 5,25,000, इंडिया पोस्ट सरकारी लेवल में 4,66,000 जॉब क्रिएट करके रखा है, क्यूज ग्रुप 4,01,000, कोल इंडिया 2,72,000, स्टेट बैंक 2,50,000, इन्फोसिस 2,79,000, रिलायंस 2,36,000, रिलायंस 2,36,000, कॉग्निजेंट ये भी आईटी कंपनी है, कॉग्निजेंट 2,00,000, 2,04,500, एसेंचर आईटी है, ऐसे तो आयरलैंड का कंपनी है, कॉग्निजेंट यूएस का है, बट कोई बात नहीं इंडिया में है सर इसका बिजनेस चलता है। कॉग्निजेंट का है 2,04,500, एसेंचर का 2,00,000, पतंजलि आयुर्वेद कंज्यूमर पैकेज में बढ़िया चल रहा है सर, लास्ट 10-15 साल में पतंजलि कमाल कर दिया, पतंजलि कमाल करके दिखाया, पतंजलि आयुर्वेद 2,00,000 का जॉब क्रिएट किया, मज़ा आ गया सर इसका, इसका अचीवमेंट देख के मज़ा आ गया मुझे, क्यों एक एक योगी, एक योगा सिखाने वाला भी दिखा दिया भाई वो भी बन सकता है, हाँ वो भी कर सकता है, योगा सिखाने वाला गुरु बता दिया दुनिया को कि भाई बिजनेस करने में हम भी कुछ कम नहीं, मज़ा आ गया, ये मेरे को बहुत इंस्पायर करता है, क्योंकि अच्छे अच्छे का नींद उड़ा दिया सर, अच्छे अच्छे का नींद उड़ा दिया, बड़े बड़े कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉरेन कंपनीज है, नेस्ले फॉरेन कंपनी स्विट्जरलैंड वाले कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जर्मन का कंपनी है, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे का नींद उड़ा दिया पतंजलि आयुर्वेदा ने। विप्रो 2,21,000, HCL ठीक है 1,87,000 IT में, IBM 1,45,000, ये IBM USA का है सर, ये HCL सीब नादर का कंपनी है, टेक महिंद्रा ये IT में 1,25,000, कैपजेमिनी ये फ्रांस का है 1,25,000, HDFC बैंक इंडिया का बैंकिंग में प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है इंडिया का, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है HDFC, 1,20,000 जॉब है इनके पास, लाइफ इंश्योरेंस LIC इंश्योरेंस में 1,13,000, पंजाब नेशनल बैंक बैंकिंग 1,03,000, देख रहे सर इंडिया के टॉप 21 कंपनीज का लिस्ट भी आपको बता दिए, ठीक है चलो ये मेरा मुद्दा नहीं था, ये मेरा मुद्दा नहीं था, मेरा मुद्दा तो इंडियन रेलवेज को लेके था, ठीक है इंडियन रेलवेज को लेके था, दैट इज मैं आपको एक्चुअली यही बताना चाह रहा था कि इंडियन रेलवेज के पास जैसे वो मोनोपोली भी करता है और साथ में उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है और वो इंडिया का सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर भी है, ठीक है ये भी आपको पास मैं बता दिया, और नॉट जस्ट इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के साथ बाकी और भी कंपनीज का नाम बता दिया जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट कर पाते हैं सर, यहाँ पर मैंने बस आपको 21 कंपनी का नाम बताया, वही भारत का इकोनॉमी को चलाते हैं सर, ऐसे 21 कंपनी से काम चलने वाला है क्या सर, ऐसा कम से कम 21,000 कंपनी चाहिए सर, क्या बात करते हो, हाँ सर ऐसे 21,000 कंपनी चाहिए बड़े बड़े, तो जाके भारत का किस्मत बदल जाएगा, मतलब आप समझ सकते हो सर कितना बड़ा गैप अभी भी बाकी है, ये तो बस शुरुआत है और बन जाएगा सर भारत, बन जाएगा भारत में बहुत कुछ हो रहा है सर, मोनोपोली बिजनेस में रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री यस, हर कोई नहीं आ सकता, जैसे इंडियन रेल में या रेलवे बिजनेस में हर कोई नहीं आ सकता, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है यही मोनोपोली का सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है, मोनोपोलिस्ट जो होते हैं ना वो ऐसा प्रोडक्ट सेल करता है जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वो अकेला ही करेगा तभी तो मोनोपोली है, बट देयर मे बी सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे रेलवेज के बदले बसेस एयरलाइंस हो सकता है, ठीक है आप रेलवे के छोड़ के बस या एयरलाइंस चूज कर सकते हो या जहाज चूज कर सकते हो नदी में, बट प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूट हो सकता है बट कंपनी में सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। फार्म इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री, ये बात मैंने लास्ट वीक किया था सर आपसे, जो फार्म है वही इंडस्ट्री है, जैसे रेलवे अगर एक इंडस्ट्री है, रेलवे अगर एक इंडस्ट्री है तो उसका फार्म कौन है, IRCTC या इंडियन रेलवे, ठीक है एक ही बात है, IRCTC और इंडियन रेलवे, तो फिर क्या हो गया ना, इंडियन रेलवे ही इंडस्ट्री है और इंडियन रेलवे ही फार्म है, जो फार्म है वही इंडस्ट्री है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, फार्म ही इंडस्ट्री बन गया सर, हाँ जो फार्म है वही इंडस्ट्री बन गया, इन मोनोपोली देयर इज ओनली वन फार्म, सो फार्म इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री, प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर बोथ आर सेम, जो दाम तय करते हैं और जो दाम लेते हैं दोनों सेम है, अगर दाम लेने वाला भी IRCTC है तो दाम तय करने वाले भी IRCTC है, दाम लेने वाला भी IRCTC है, आप टिकट बुक भी IRCTC से करते हो, ठीक है और टिकट का प्राइस भी यही डिसाइड करते हैं, मार्केट डिसाइड नहीं करता, नॉट लाइक परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में आप लोगों ने देखा था मार्केट डिसाइड करता है, इसमें कोई मार्केट का खेल नहीं होता, IRCTC को जैसा ठीक लगता है वो ऐसा करता है, IRCTC को जैसा ठीक लगता है वो वैसा ही करता है ना, ज्यादा सोचता है तो ज्यादा कर देगा, कम सोचेगा तो कम करेगा, जैसे उसका मन है, ये मोनोपोली बिजनेस का कैरेक्टर है सर,
ये मोनोपोली बिजनेस का कैरेक्टर है. प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर बोथ आर सेम, याद रखिएगा. ठीक है, द फार्म हिमसेल्फ डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड फार्म इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री. सो प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर बोथ आर सेम. ठीक है, डिमांड कर्व ऑफ द फार्म एंड मार्केट बोथ आर सेम. डिमांड कर्व ऑफ द फार्म एंड मार्केट बोथ आर सेम. मार्केट का डिमांड कर्व और फार्म का डिमांड कर्व सेम होता है. ये देखो, ये मोनोपोली ग्राफ भी मैंने आप लोगों को लास्ट दिन दिखाया था. ऐसे देखने में होते हैं मोनोपोली ग्राफ, मोनोपोली का जो कार्व होता है वो ऐसे देखने में होते हैं. ठीक है, ये प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन भी है, ये एवरेज रेवेन्यू लाइन भी है. ये प्राइस लाइन भी है और एवरेज रेवेन्यू लाइन भी है, मतलब प्राइस से ही रेवेन्यू भी डिटरमाइन हो जाता है, एवरेज रेवेन्यू एज वेल एज मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, ये देखो सर, ये लाइन देखो, ये फार्म का एवरेज रेवेन्यू है और साथ में फार्म का डिमांड कर्व भी है. एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई कंपनी मोनोपोली में आता है तो उसके पहले ना वो ज़्यादा दाम लगाते हैं, फिर धीरे धीरे ना प्राइस को थोड़ा कम कर देते हैं. ठीक है, मार्केट को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए. लेकिन मोनोपोली बिजनेस में ना स्टार्टिंग में ना हर मोनोपोली बिजनेस महंगा होता है, मतलब उसका प्रोडक्ट महंगा होता है. फिर धीरे धीरे वो अपना प्रोडक्ट का महंगाई कम करते हैं ताकि वो और ज़्यादा लोगों को अपने अंदर ले सके. ये मोनोपोली बिजनेस का कैरेक्टर होता है सर, ये देखा गया है बहुत सारे बिजनेस केस में देखा गया है. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे आप लोगों को पता है इंडियन रेलवे फर्स्ट इंडिया में कब आया था? इंडिया में रेल जब कब आया था, एनी आइडिया सर? किसी को पता है इंडियन रेलवे कब आया था? सर 1853 मोस्ट प्रोबेबली, एक बार देख लेता हूं मैं, बहुत पुराना बात है. ब्रिटिश जमाने में आया था सर इंडियन रेलवे, ब्रिटिश जमाने में आया था, ब्रिटिश जमाने में, ब्रिटिश नहीं इसको बनाया था, 1853 मोस्ट प्रोबेबली. एक बार मैं फिर भी कंफर्म हो जाता हूँ, 1836 में रेल भवन बना था, पहला ट्रेन चला था, मुझे जितना याद आ रहा है पहला ट्रेन इंडिया के अंदर चला था मुंबई टू थाने, ऐसा कुछ. एक बार देखता हूँ, रुको, फर्स्ट रेल, इज अ गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेट इंडियन रेलवे, द फर्स्ट इंडियन रेलवे, एक सेकेंड, हिस्ट्री में मिल जाएगा, ये मिल गया सर, रुको. द फर्स्ट रेलवे प्रपोजल्स फॉर इंडिया वेर मेड इन मद्रास इन 1832, द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसपोर्ट ट्रेन, रेड हिल रेलवे बिल्ड बाई आर्थर कॉटन टू ट्रांसपोर्ट ग्रेनाइट फॉर रोड बिल्डिंग, रन फ्रॉम रेड हिल्स टू द चिंता द्रिपेद ब्रिज इन मद्रास 1837. In 1845, the Godavari Dam Construction Railway was built by Cotton and Dolswaram Rajmudri to supply stone of the construction of a dam over Godavari. In 1851, Solani Aqueduct Railway was built by Prabhi Kaute in Roorkee to transport the construction material. मतलब ये सब material construction के लिए बना गया था. उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, मतलब पब्लिक ट्रेन जो होता है जिसमें इंसान जा सकता है, ऑपरेटेड बाई ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, हॉल्ड बाई दी थ्री स्टीम लोकोमोटिव्स, साहिब, सिंध एंड सुल्तान, रन फॉर 34 किलोमीटर्स विथ 400 पीपल इन 14 कैरेजेस, 400 लोग लेके, ब्रॉडगेज ट्रैक बिटवीन बोड़ी बंदर मुंबई एंड थाने. यस, ये देखो 1853, ठीक बोला मैंने, पैसेंजर ट्रेन तो इंडिया में फर्स्ट आया था 1853 में, मेरे को याद है, बचपन वाला बात याद आ गया. ठीक है, 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंडिया में चला था 16 अप्रैल को. ठीक है, मुंबई से थाने तक, बोरी बंदर मुंबई से लेके थाने. ठीक है, और उसके बाद ईस्टर्न इंडिया में पहला पैसेंजर ट्रेन चला हावड़ा में, ठीक है, नियर कोलकाता टू हुगली, वो भी 1854 में. ठीक है, तो पहले बॉम्बे में चला और उसके बाद पूर्वी भारत में सबसे पहले ट्रेन चला हावड़ा में, नियर कोलकाता, मतलब हावड़ा मतलब हावड़ा स्टेशन, ठीक है, टू हुगली ऑन 15 अगस्त 1854 में. ठीक है सर, ये इंडियन रेल का हिस्ट्री है. ठीक है, तो बहुत पुराने ज़माने से ये ट्रेन का लाइन चालू हुआ था. अब मैं आपको क्यों बोला ये बात, कि जब ट्रेन स्टार्टिंग में आया था ना, तो जो रिच क्लास है ना वही चढ़ पाते थे. जो ट्रेन फर्स्ट टाइम आता है ना, तो जो रिच क्लास है वही पहले चढ़ पाया था. सही बोला ना सर बात, क्या गरीब लोग चढ़ पाते थे ट्रेन में? नहीं, ब्रिटिश के लिए तो फर्स्ट क्लास होता था और आम आदमी के लिए सेकेंड क्लास होता था. ठीक है, अगर आप लोग पुराने मूवीज़ देखोगे या कहानी सुनोगे तो पता चलेगा. उसके बाद धीरे 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 रेल को आम आदमी के लिए भी स्प्रेड कर दिया गया. जैसे इसका और एक एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे अगर मानो कि कोई आज के डेट में तो एयरलाइंस कंपनी फिर भी बहुत सारा है, बहुत सारा भी नहीं, 3-4 कंपनी है एयरलाइंस में. एयर टिकट पहले से सस्ता हुआ कि महंगा है?
एक जमाने में क्या हर कोई एयरलाइंस में चढ़ पाता था? बोलो ना, अगर रेल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, बिकॉज रेल बहुत पहले आया था, 1853 ब्रिटिश पीरियड का बात है, लेकिन एयरलाइंस तो उसके काफी बाद आया, ठीक है? एक जमाने में एयरलाइंस में हर कोई चढ़ पाता था? हाँ सर, प्लीज टेल मी। हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ नो रहा है सर, सर, है ना? तो क्या हुआ सर, पहले महंगा था एयरलाइंस, है ना? तो सिर्फ कुछ लोग ही चढ़ पाते थे, तो क्योंकि महंगा था तो जो रिच थे वही चढ़ पाते थे। जैसे तब तब उस जमाने में एयर इंडिया हुआ करता था, है ना? तो एयर इंडिया में हर कोई चढ़ पाता था क्या? नहीं, बाद में प्राइवेटाइज हुआ और भी काफ़ी सारा कंपनीज आया एयरलाइंस बिजनेस में, है ना? तो भारत के इंडिपेंडेंस के टाइम पे भारत में एक ही एयरलाइंस हुआ करता था, एयर इंडिया, ठीक है? तो एयर इंडिया में चढ़ने के लिए जो भी दाम था, एयर इंडिया का जो टिकट का दाम था, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में था। तो ये इसका सिस्टम क्या है, इसका सिस्टम क्या है कि ये प्राइस मेकर भी हैं और ये प्राइस टेकर भी है। और शुरुआत में ना इसका प्राइस ज़्यादा होता है तो ये पहले ज़्यादा प्रॉफिट करेगा, लेकिन धीरे धीरे अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अपना दाम को सस्ता करेगा। जैसे जैसे धीरे 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 एयरलाइंस का दाम भी कम हो गया, वैसे धीरे धीरे रेल का दाम भी कम हो गया, ठीक है? जैसे रेल बहुत दिनों से चल रहा है, 200 साल से चल रहा है, ठीक है? इसलिए हमें समझ में दिक्कत हो जा सकता है, लेकिन आप प्लेन को समझ सकते हो, एयरलाइंस को समझ सकते हो। ऐसे किसी भी तरह का बिजनेस जो मोनोपोली में है, शुरुआती दौर में वो महंगा रहता है, फिर धीरे 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 वो खुद ही उसको सस्ता करेगा ताकि वो मैक्सिमम लोगों को बेच पाए, ठीक है? तो क्या हो गया, मोनोपोली कार जो होता है ना, मोनोपोली का जो डिमांड कब होता है, वो धीरे धीरे ऐसे डाउनलोड हो जाता है, और जो उसका डिमांड कब होता है ना, वही उसका एवरेज रेवेन्यू भी होता है। उसका एवरेज रेवेन्यू और उसका डिमांड एक ही होता है, ठीक है? और ठीक उसके बीचों बीच में होता है उसका मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक उसके बीचों बीच में होता है उसका मार्जिनल रेवेन्यू। तो मोनोपोली ग्राफ जब भी आपको ड्रॉ करना पड़े या कहीं पर भी आइडेंटिफाई करना पड़े, याद रखिएगा इट्स लाइक दैट, ठीक है? और ठीक 50% में ही मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ठीक है? जो मैंने आप लोगों को लास्ट दिन भी बताया था। तो डिमांड कर्व ऑफ ए फार्म एंड मार्केट बोथ आर सेम, जो मार्केट का डिमांड कर्व है और जो मार्केट का एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, बोथ आर सेम, ठीक है? तो मोनोपोलिस इज ऑनली सिंगल सेलर ऑफ इस प्रोडक्ट, सो इट्स डिमांड कर्व इज आइडेंटिकल विद द मार्केट डिमांड कर्व। तो इसका जो डिमांड कर्व है यही इसका मार्केट डिमांड भी है। परफेक्ट कंपटीशन में अलग होता है, परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट डिमांड और बिजनेसमैन का डिमांड, मतलब मार्केट डिमांड और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में जो है फार्म का डिमांड अलग होता है, लेकिन मोनोपोली में जो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है वही मार्केट का भी डिमांड कर्व है, बिकॉज वही इंडस्ट्री वही फार्म, IRCTC ही इंडस्ट्री और IRCTC ही फार्म, दैट इज द रीजन। और परफेक्ट इमोबिलिटी, मतलब इमोबिलिटी इन द सेंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली इमोबाइल बिकॉज दिस फैक्टर्स आर अंडर सिंगल प्रोड्यूसर। इमोबाइल मतलब अगर कल इंडियन रेलवे रेल चलाना बंद कर दे, ठीक है, तो और कोई तो रेल में आएगा नहीं, ठीक है? अभी तक तो है नहीं, तो कहने का मतलब है कि जो भी है इनके हाथ में है, मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट अगर कल बोल दिया कि भाई ये ट्रेन नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा, उसके जगह कोई दूसरा बस नहीं आएगा। जैसे बस के केस में होता है ना, ये बस नहीं चल रहा है तो दूसरा बस आ जाएगा, लेकिन अगर रेल नहीं चलेगा तो उसके जगह दूसरा रेल नहीं मिलेगा आपको। कल अगर मानो कि कश्मीर जाने के लिए एक ही ट्रेन है, मानो कोलकाता से, अगर रेलवे बंद कर दिया तो क्या आपको कश्मीर जाने का दूसरा ट्रेन मिल जाएगा? अगर एक ही ट्रेन है, सपोज से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से केरला जाने का एक ही ट्रेन चल रहा है, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं केरल का ट्रेन बंद कर देंगे कि कुछ दिनों के लिए, तो क्या आपको नया ट्रेन मिल जाएगा? कोई दूसरा आके नो ट्रेन सर, चला सकता है क्या उस पटरी में? नहीं कर सकता, है ना? कोई दूसरा आके उस पटरी में नहीं, नया ट्रेन नहीं चला सकता, बिकॉज ऐसा सिस्टम है नहीं। तो इसके लिए क्या हो गया, ये परफेक्ट इमोबिलिटी हो गया, ठीक है? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली इमोबाइल बिकॉज दिस फैक्टर्स आर अंडर सिंगल प्रोड्यूसर, बिकॉज एक ही कंपनी चलाते हैं, एक ही कंपनी चलाते हैं, ठीक है? तो ये मोनोपोली बिजनेस का क्या होता है, कैरेक्टर होता है। रेलवेज एंड दिल्ली मेट्रो द बेस्ट एग्जाम्पल, मैंने लास्ट दिन भी बोला था, फिर से बोल दिया। और एक लास्ट पॉइंट था इसमें, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। इसका जो प्राइस होता है ना, इसका प्राइस का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसका एवरेज रेवेन्यू जो है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, जो इसका डिमांड का भी है। इसका जो प्राइस है वो प्राइस डिटरमाइन क्या होता है, इसका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होगा, ये इसका कैरेक्टर है। प्राइस इक्वल्स टू AR ग्रेटर देन MR, जो हमें दिख रहा है, जो AR है इसका वो MR से ज़्यादा है, और MR तो नेगेटिव भी हो सकता है लॉन्ग रन में, ठीक है? लॉन्ग रन में ये नेगेटिव में भी जा सकता है। कैसे जा सकता है, क्यों जा सकता है, वेट एंड वॉच फॉर दैट, ठीक है? तो अंडर मोनोपोली प्राइस इज इक्वल टू AR एंड एवरेज रेवेन्यू, अंडर मोनोपोली प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, एंड एवरेज रेवेन्यू का इज ऑल्सो नोन एज
डिमांड का जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। बट एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू एंड लाई बिटवीन वाई एक्सेस एंड ए आर। मार्जिनल रेवेन्यू ठीक वाई एक्सेस और ए आर के बीच में ही रहेगा। दिस कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर, जो फिगर मैं आपको तब से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या था, ये लास्ट दिन का रिविजन भी था और मोनोपोली बिजनेस का कैरेक्टर भी था। लास्ट दिन का रिविजन भी था और मोनोपोली का कैरेक्टर भी था। आज मैं आपको क्या बताने वाले हूँ जानते हो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोनोपोली का पावर क्या होता है। ठीक है, मोनोपोली का पावर क्या होता है, मोनोपोलिस्ट का रेवेन्यू कर्व कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू में मोनोपोली में क्या रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू में मोनोपोली में क्या रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो एक काम करते हैं सर, ये सब चीज़ तो समझना ही है, लेकिन मैं आपको बोला था ना आज मैं दो केस के बारे में आपके बात करूंगा, एक IRCTC का केस और एक टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस का केस। ऐसे टेलीकम्युनिकेशन इंडिया में करेंटली इज नॉट प्योर मोनोपोली, बट फिर भी कुछ हद तक मोनोपोली है। ठीक है, दो तीन कंपनी के हाथ में तो है ना पूरा, तो आप ऐसे बोल सकते हो सर अगर दो तीन कंपनी के हाथ में तो उसको ऑलिगोपोली बोलो, मोनोपोली क्यों बोल रहे हो। यस बोल सकते हो, ऑलिगोपोली मार्केट में आएंगे कुछ देर बाद। ठीक है, मतलब इस मोनोपोली को खत्म करने के बाद ऑलिगोपोली में बात करेंगे। तो जस्ट आइडिया के लिए आपको मैं टेलीकम्युनिकेशन मार्केट के बारे में ही बात करने वाला हूँ। ठीक है, वेट रुको। तो सर एक बार आपको मैं लेके चलता हूँ IRCTC में। ठीक है, द क्यूरियस केस ऑफ IRCTC। ऐसे ये मैंने नॉर्मली ये सब डिस्कशन मैं करता हूँ शेयर मार्केट के क्लास में। ठीक है, जो लोग शेयर मार्केट के बारे में पढ़ाई करते हैं ना उनके साथ मैं ये सब चर्चा डिटेल्स में करता रहता हूँ, बिकॉज उनको शेयर में इन्वेस्ट करना होता है ना, तो उसके लिए उनको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, तो तब जाके मैं ये सब चर्चा उनके साथ करता हूँ। तो सर हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, सर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, तो इकोनॉमिक्स में नहीं बात करने का ज़रूरत पड़ जाता है, और क्योंकि आपको मोनोपोली पढ़ा रहा हूँ और IRCTC जैसा बिजनेस का बात कर रहा हूँ, तो आपको IRCTC का कुछ स्पेशल फैक्ट्स नहीं बताना चाहिए क्या। बिल्कुल बताना चाहिए, क्यों IRCTC को मोनोपोली कहा जाता है उसका कुछ तो रीज़न होगा, तो वही स्टोरी मैं आपके साथ थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा IRCTC। ठीक है, तो IRCTC में स्टोरी क्या है, IRCTC का स्टोरी क्या है, ध्यान से देखिए सर। ठीक है, If you are someone who does not frequent the Indian Railways, you may not be too familiar with the Indian Railway Catering Tourism Corporation, या फिर IRCTC. So, let's start from the topic. IRCTC is the only entity that is authorized by Indian Railways to offer railway tickets online. अगर आपको online से ticket खरीदना है, offline में तो आप railway station से खरीद सकते हो, अगर आपको online में ticket खरीदना है, चाहे आप कहीं से भी खरीदो। ठीक है, आजकल सर सब प्लेटफॉर्म भी है, पेटीएम है, आप पेटीएम से कर सकते हो, इक्सीगो बोल के एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पेटीएम, इक्सीगो, मेक माई ट्रिप है ना, yatra.com, अरे नाम तो सुने होंगे yatra.com, आईबीबो, गो आईबीबो, ये सब नाम सुने हो क्या, ये सब नाम सुने हो, किसी का नाम तो सुने होंगे, किसी का भी नाम नहीं सुने। यस सर, यस सर। ठीक है, ऑनलाइन टिकट वगैरह में लोग काटते हैं सर टिकट, पेटीएम से काटते हैं, एक्सीगो से काटते हैं, मेक माई ट्रिप से करते हैं, यात्रा से करते हैं, गो आईबीबो से करते हैं, ऐसे बहुत सारे आप ऑनलाइन में सर्च करने से ही मिल जाएगा, प्लेन का टिकट, एयर टिकट सब मिलते हैं। बट एक्चुअली आप इनके थ्रू से कितना भी कर लो, अल्टीमेटली IRCTC के साइड में जाना ही पड़ेगा। जिसका IRCTC लॉगिन नहीं रहेगा वो कहीं से भी टिकट काटे नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए बात को। सो कहने का मतलब क्या है, विदाउट IRCTC आप ऑनलाइन टिकट नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। तो IRCTC के पास क्या है, मोनोपोली है। रन कैटरिंग सर्विस, रेल के अंदर जो कैटरिंग सर्विस मिलता है किसका है, IRCTC का, जो खाना वगैरह मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है, चाय मिलते हैं सारे के सारे, एंड सेल्ड बॉटल वाटर्स, रेलवे में जो बॉटल वाटर मिलता है रेल नीर के नाम पर मिलता है। क्या नाम के मिलते हैं सर, रेल नीर, आप देखिएगा ऐसे नाम से मिलता है। ठीक है, ये पानी बॉटल जो होता है ना रेलवे का, वो भी IRCTC का है। ठीक है, अक्रॉस रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन्स इन इंडिया, रेल स्टेशन में भी मिलता है और रेल के अंदर भी मिलता है। सो इट्स व्हाट यू वुड कॉल ए मोनोपोली। क्या ऐसे बिजनेस को मोनोपोली कहोगे, नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे, है ना। IRCTC को मोनोपोली क्यों कहा जाता है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। टिकट काटना, रेल के अंदर खाना खाना, रेल में पानी पीना, सब कुछ किसके हाथ में, IRCTC के हाथ में। ठीक है, इसका शेयर के बारे में भी मैंने बात किया आपको।
एंड इफ देर इज वन थिंग, मतलब एक 100 का शेयर्स, 150 का शेयर्स, अभी 150 200 का शेयर, मैं लास्ट ईयर 400 चल रहा था, अभी 800 850 चल रहा है, काफ़ी सारे लोगों के पास हैं सर, मेरे स्टूडेंट्स के पास जो लोग शेयर मार्केट पढ़ता है समझता है, ठीक है, उनको मैं रेफर करता हूँ, मतलब एक्चुअली केस स्टडीज करता हूँ, समझाता हूँ फंडामेंटल लेवल में, वो लोग समझते हैं, खुद भी काम करते हैं शेयर मार्केट में, लोगों को एडवाइस करते हैं, ठीक है, NISM क्रैक करके SEBI का लाइसेंस लेके काम करते हैं, ये सब बताऊंगा आप लोगों को भी, ठीक है, आप लोग अभी ये सब एंट्रेंस वगैरह क्रैक कर लो, फाउंडेशंस वगैरह क्रैक कर लो, धीरे धीरे आप लोगों को भी मैं समझाऊंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे आपसे भी मैं बात करूंगा, डोंट वरी सर. सो इट इज व्हाट यू कॉल्ड अ मोनोपोली, एंड इफ देयर इज वन थिंग इन्वेस्टर्स लव मोर देन लाइफ इटसेल्फ, इट इज अ मोनोपोली. इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए मोनोपोली बिजनेस क्या है, बहुत ही बढ़िया एक जगह है ना. इट इज द अपॉर्चुनिटी टू कॉर्नर ए मार्केट एंटिटी एंटायरली बाई वे ऑफ गवर्नमेंट दिक्कत दिक्कत, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का सारा एक ही जगह में है. एंड इन अक्टूबर 2019 व्हेन द कंपनी डिसाइडेड टू गो पब्लिक, 320 टका पर शेयर में आया था, इन्वेस्टर्स वर ओवरजॉयड. यस, मुझे अभी भी याद है सर, दे कुड नॉट बिलीव हाउ चीप इट वॉज रिलेटिव टू पोटेंशियल इट हेल्ड, मतलब इतना बड़ा कंपनी, ठीक है, इतना सारा का सारा काम खुद ही करता है और मोनोपोली है, ठीक है, तो फिर ऐसे कंपनी में शेयर 320 टका काफ़ी सस्ता में था. एंड ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग द स्टॉक डबल्ड इन वैल्यू, एक लिस्टिंग डे में ही डबल हो गया था, बाय अक्टूबर 2021 शेयर प्राइस 6000 के पास पहुंच गया था. तो IRCTC ने अपना प्राइस को कम कर दिया, उसको बोलते हैं सर स्प्लिट करना, ठीक है, अभी ये सब मैटर में मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है, बाकी का आगे का जो चर्चा है ना वो स्टॉक मार्केट एनालिसिस है सर, ठीक है, मतलब इसको फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं, बट मैं आपके साथ फाइनेंशियल एनालिसिस में नहीं जाना चाहता, ठीक है. तो अभी मैं आपके साथ जो बात किया, ये जस्ट मैंने आपको ये प्रूव करने का कोशिश किया कि ये एक मोनोपोली बिजनेस है, और मोनोपोली बिजनेस में किस तरह से वो अपना रेवेन्यू कमाते हैं, क्यों इन्वेस्टर्स को पसंद है मोनोपोली बिजनेस. हाँ सर, क्यों इन्वेस्टर्स को पसंद है मोनोपोली बिजनेस, बिकॉज मोनोपोलिस्ट रेवेन्यू कमाते हैं जबरदस्त. अगर उसके बिजनेस में दम है तो मोनोपोलिस्ट रेवेन्यू जबरदस्त कमाते हैं. तो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ सर, ये मोनोपोलिस्ट रेवेन्यू का कैसे होता है, ठीक है. लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपके साथ और एक केस लॉ के बारे में भी बात कर रहा था, और एक केस स्टडीज, और वो केस स्टडीज का नाम है, ध्यान से सुनना सर, सर फोन कॉल्स कॉस्ट मोर विदाउट कंपटीशन. क्या बात कर दिया सर, फोन कॉल्स, ये आज फोन कॉल्स है, ये पुराने जमाने में टेलीफोन हुआ करता था, आज मोबाइल हुआ करता है, आज मोबाइल हुआ करता है सर, आज के जमाने में टेली कम्युनिकेशन तो होता है, थोड़ा बहुत होता है, बट सब मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया. क्या सर ये क्या है, मोबाइल टावर है, ये तो आज भी है, मोबाइल टावर तो चेंज नहीं हो गया. ऐसे पुराने जमाने में टेलीफोन का भी टावर हुआ करता था, ठीक है, लेकिन आजकल क्या, किसका टावर है, मोबाइल का टावर है ना सर, आप लोग देखे होंगे. सर क्या कहता है, मोनोपोली का जन्म कैसे होता है, सर फोन कॉल्स कॉस्ट मोर विदाउट कंपटीशन. अगर मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है, तो आपका फ़ोन का चार्जेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. सर आप एक चीज़ बताओगे मुझे कि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले, 5 ईयर्स बैक, आज से 5 ईयर्स बैक, 10 ईयर्स बैक, 10 साल पुराना बात कर रहा हूँ, फ़ोन कॉल महंगा था कि सस्ता था, प्लीज़ टेल मी. 15 ईयर्स बैक भी जा सकते हो, 15-20 ईयर्स बैक भी जा सकते हो, मतलब 2005-07 ऐसे भी जा सकते हो, फोन कॉल्स महंगा होता था कि सस्ता होता था, दाम बेशी थी सर, एक्सपेंसिव होता था, वेरी गुड सर, है ना. डेटा नेटवर्क इंटरनेट महंगा था कि सस्ता था, शादी एक्सपेंसिव थी, एवरीथिंग वाज एक्सपेंसिव, हर चीज महंगा होता था. अगर मैं एकदम स्टार्टिंग वाला समय का बात करूं, जब मोबाइल फ़ोन आया था, आई होप आप लोग तब काफ़ी छोटे रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं इतना छोटा नहीं था, ठीक है, शायद आप लोग जैसे था, नहीं आप लोगों से थोड़ा और छोटा था, 2004-05 के दौरान का बात कर रहा हूं, जब नेटवर्क बहुत पॉपुलर होने चालू किया, ठीक है, नेटवर्किंग बिजनेस, ठीक है, लाइक मोबाइल फ़ोन का बात कर रहा हूं मैं, टेलीफोन तो उससे भी पहले आया था, 90s के ज़माने में टेलीफोन आया था, 80s-90s के, मतलब लेट 80s और 90s के स्टार्टिंग में टेलीफोन आया था इंडियन मार्केट में, तब मेरा जन्म ही हुआ था सर, 90s के दौरान का बात कर रहा हूँ. तो टेलीफोन का समय तो मुझे पता है थोड़ा सा, तब मैं बहुत ही छोटा था, तब मैं बेबी था, ठीक है, लेकिन मोबाइल जब आया था तब मैं बड़ा हुआ था, तो मुझे मोबाइल मार्केट कैसे कैसे स्प्रेड हुआ, मैं शुरू से मुझे सारा का सारा ज्ञान है.
आप लोगों को भी ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान होना भी चाहिए, लेकिन आप लोग जितने दिन में बड़े हुए तब तक मोबाइल फोन मार्केट में बड़ा पॉपुलर हो गया था। यस, मुझे जितना समझ में आ रहा है। सो दैट्स नॉट द फैक्ट। फैक्ट क्या है कि स्टार्टिंग समय में ना एक ही कंपनी ना मोबाइल फोन को ऑपरेट करता था, आप लोग जानते हो, BSNL अभी भी है मार्केट में, अभी भी BSNL का सिम मिलता है। मिलता है क्या किसी के घर में BSNL मोबाइल है? किसी के पापा के पास कोई यूज करता है क्या आज के डेट में? करता है कोई, कोई अभी भी करता है। मेरे पापा के पास तो अभी भी BSNL है सर। आप लोगों के घर में किसी का है या रिलेटिव्स में BSNL? यस सर है सर। चलो बढ़िया है सर। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा बात, क्योंकि जब BSNL अकेला था और फिर BSNL क्योंकि सरकारी है, ऑपरेट करना इसको मुश्किल हो रहा था, मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि सरकार का काम बिजनेस मेंटेन करना ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिजनेस इज फॉर आम जनता, बिजनेस इज फॉर बिजनेसमैन, बिजनेस इज नॉट फॉर गवर्नमेंट। सीरियसली, दिल से मानता हूं मैं, बिजनेस इज नॉट फॉर गवर्नमेंट। सरकार बिजनेस नहीं कर सकता, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है। सरकार का काम देश का सुरक्षा देना, सरकार का काम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लेकिन उसको लेके बिजनेस करना नहीं। गवर्नमेंट देश में नेटवर्क लाएगा, नेटवर्क बिठाएगा, लेकिन उससे बिजनेस करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे BSNL अभी भी करता है बिजनेस, लेकिन BSNL क्या करता है, ये जो नेटवर्क बैठता है ना सर, इसको सेल करता है, इसका लाइसेंस सेल करता है। किसको? बड़े बड़े कंपनीज को, जैसे जियो को, वोडाफोन को, आइडिया को, एयरटेल को, है इस तरह से इनको सेल करके कमाते हैं अभी। तो ये फोन बेच, फोन का सिम बेच के या फिर डेटा पैक बेच के BSNL इनकम नहीं कर पाता, जितना होता है उसमें उसका कॉस्टिंग भी नहीं उठता, लेकिन लाइसेंस बेच के BSNL का जो काम है वो हो जाता है, प्रॉफिट करता है वहीं से। तो सर कहना क्या चाहता हूँ मैं, कुछ नहीं कहना चाहता। अगर सोचो सिर्फ BSNL ही होता, या फिर सिर्फ और सिर्फ कोई एक सिंगल कंपनी होता, जैसे अगर मानो पुराने कंपनीज में से अगर मैं सिर्फ एयरटेल का नाम लूँ, अगर मोबाइल मार्केट में सिर्फ एयरटेल होता, तो क्या मतलब नेटवर्क का कॉस्ट ज़्यादा होता कि कम होता? आज तीन कंपनी है, आज कंपटीशन आ गया है, आज कंपटीशन है, जियो है, भी है, एयरटेल है, आज कंपटीशन है। लेकिन सोचो कि सिर्फ और सिर्फ एयरटेल होता, जियो तो कुछ दिन पहले ही आया है, वोडाफोन पहले से ही था, आइडिया थोड़ा बाद में आया है, ठीक है, लेकिन वो भी पुराना में ही है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर ओनली एयरटेल ही रहता, BSNL सरकार की तरफ से उसको लाइसेंस दिया जाता और सिर्फ एयरटेल ही टेली कम्युनिकेशन मार्केट को ले लेता, तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये नेटवर्क सस्ता पड़ता? आज आप घंटे घंटे कॉल करते हो, पता भी नहीं लगता कि कितना कॉस्ट लगा है। पहले ज़माने में हर मिनट में 1.5 टका, 2 टका, 1 टका, हाँ 1 रुपी मुश्किल हो जाता था लोगों के लिए। 10 मिनट बात करो 10 टका, ऐसा होता था सर, हाँ 10 मिनट बात करने से 10 रुपीज, उससे भी ज़्यादा 1.50, 1.70, 2 रुपीज, 2.5, 3 टका करके भी कॉल चार्ज काटता था। 10 मिनट बात करने से 30 रुपीज, ऐसा भी दिन गया है सर। लेकिन वो ज़माना चला गया। तो ये ज़माना, उस ज़माने में जिनके पास भी ये पावर था वो मोनोपोली पावर था, ठीक है। तो फोन कॉल कॉस्ट मोर विदाउट कंपटीशन। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा मार्केट में तो मोनोपोली का जन्म हो जाएगा। लेकिन सर IRCTC का फिर कॉम्पिटिटर आ जाना चाहिए क्या? सर ये सब्जेक्ट टू कंट्रोवर्सी कि IRCTC का मार्केट में कॉम्पिटिटर आना चाहिए कि नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं बोलेंगे। एक्चुअली गवर्नमेंट के हाथ में रेल का है, अभी गवर्नमेंट चाहे तो ला सकता है, ठीक है, कि भाई IRCTC जैसा और भी किसी कंपनी को मौका दे सकता है जो IRCTC को टक्कर दे दे, शायद कर देगा, शायद कर देगा, फ्यूचर में आ सकता है। अगर IRCTC मैनेज करने में सक्षम ना रहे, अगर IRCTC वर्ल्ड क्लास मैटर ना ला पाए, तो फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट दे दे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, गवर्नमेंट चाह के भी नहीं दे पाता, क्योंकि लोग चिल्लाते हैं सबको बेसरकारी कर दो, सब प्राइवेट कर दो, सरकारी कुछ नहीं रहेगा, ऐसे करके लोग चिल्लाते हैं। बट अगर आपको सुपर फर्स्ट सर्विस चाहिए, अगर आपको सुपर डुपर सर्विस चाहिए, तो जितना ज़्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना उतना मज़ा, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा और ज़्यादा कंपटीशन में ग्राहक के लिए अच्छा, ग्राहक मज़ा लेगा सर बैठे बैठे, ठीक है। अच्छा चीज़ सस्ते में कब होता है? जब मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत सारा हो जाए बिजनेस में। क्या सर समझ में आ रहा है बात? हाँ
क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये मोनोपोली के बारे में एक स्पेशल नोट्स है, ठीक है? ये मोनोपोली के ऊपर एक स्पेशल नोट्स यहाँ पर है। इसके बारे में मतलब यूरोपियन नेशंस में फर्स्ट टाइम जिस इकोनॉमिस्ट ने सोचा था उनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है? 1806 एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने मोनोपोली के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा, ठीक है? मतलब 1806 में जॉन स्टुअर्ट मिल, बिफोर जॉन स्टुअर्ट मिल एरिस्टोटल ने भी इसके बारे में सोचा था। एरिस्टोटल इज अ ग्रीक पॉलिटिक्स डिस्क्राइब फिलोसोफर थे। एडम स्मिथ ने भी बात किया कभी। तो इसमें क्या होता है ना, मार्केट में पावर आ जाता है। क्या हो जाता है सर? मार्केट पावर हो जाता है, ठीक है? जैसे कि 1848 द इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन स्टुअर्ट मिल पब्लिश हिज प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इट ड्रू टुगेदर मच ऑफ द थिंकिंग अबाउट वेदर ए ब्लैक ऑफ कंपटीशन कॉज प्राइस टू राइज। क्या कंपटीशन ना रहने से मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है? लेकिन सर आप बोलोगे फिर IRCTC का प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाना चाहिए, ज़्यादा हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो करता नहीं है बिकॉज उसमें रेल सब्सिडी देता है। इंडियन रेलवे है ना सर, सरकार का है, तो सरकार उसमें सब्सिडी दे देता है। लेकिन अगर ये IRCTC फुल्ली प्राइवेट कंट्रोल होता, फुल्ली प्राइवेट कंट्रोल होता, फुल्ली प्राइवेट कंट्रोल, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका दाम ज़्यादा हो जाता। लेकिन क्योंकि इंडियन रेलवे इसके ऊपर है और इंडियन रेलवे क्योंकि गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट का दाम और एक काम भी होता है सर, वो पब्लिक का सेवा भी करता है, ठीक है? गवर्नमेंट पब्लिक का सेवा भी करते हैं, सर्विस भी देता है। इसलिए IRCTC चाह के भी अपनी मर्जी से हर चीज़ नहीं कर पाता बिकॉज इंडियन रेलवे इज़ ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? लेकिन अगर यही IRCTC प्राइवेट कंट्रोल में होता तो मे बी, मैं दावे से तो नहीं कह सकता बिकॉज बिजनेस सिनेरियोज डिफरेंट होता है, ठीक है, बट मे बी ऐसा होने का चांसेस हो जाता है कि भाई अगर किसी का मोनोपोली है तो उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है, प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है? मे बी, ठीक है, मोनोपोली है, हो सकता है अपनी मर्जी से दाम को बढ़ा दे, तो ये मार्केट पावर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन इन इन डिफरेंट कंट्रीज में देखा गया है। मोनोपोली वर्कर्स मीन रियलाइज दैट इट इज द ओनली विद इन द गुड्स मार्केट दैट द लैक ऑफ कॉम्पिटिशन इज एबल टू पुश प्राइस अप। मोनोपोली इफेक्ट्स कैन इमर्ज इन द लेबर मार्केट टू। इवन अगर किसी चीज में लेबर सस्ता नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ही लोगों को कुछ काम आता है, तो लेबर क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर आज के डेट में अगर देखोगे कि भाई घर बनाने वाले मिस्त्री कम है, ठीक है, राजमिस्त्री का संख्या कम है क्योंकि हर कोई राजमिस्त्री नहीं बनना चाहता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मार्केट में जितना कम होगा उतना क्या हो जाएगा, उनका चार्जेस बढ़ जाएगा, ठीक है? किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर किसी फील्ड में आप देखोगे कि भाई इस काम के लिए लोग कम है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस हाई हो जाएगा। ऐसा होता है सर, मतलब क्या होता है ना, मार्केट में अगर किसी भी चीज का सप्लाई कम हो तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो ये मोनोपोली का जन्म ऐसे होता है। इवन पुराने जमाने में भी, 1800 के समय में भी रेलवेज में ही फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री के केस में, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी द रेलवेज वेर एन एग्जाम्पल ऑफ एन मोनोपोली इंडस्ट्री एट द टाइम मिल वॉज राइटिंग। मतलब जब ये जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 में लिख रहा है तो वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में जैसे कंट्री में ऑलरेडी रेल में ही मोनोपोली क्रिएट हुआ था, ठीक है, बिकॉज एक्सपेंसिव भी था और रेल में ही मोनोपोली क्रिएट हुआ था। तो कई बार मोनोपोली हो जाता है क्रिएट, कोई चाहते नहीं है, लेकिन कुछ फील्ड को मोनोपोली ऑटोमेटिक मिल जाता है, कुछ फील्ड को ऑटोमेटिक मोनोपोली मिल जाता है। लेकिन क्या ये कस्टमर के लिए अच्छा है? नहीं सर, अगर मुझे पूछोगे कि कस्टमर्स के लिए नो डाउट मोनोपोली से बेहतर तो कॉम्पिटिटिव मार्केट ही है, लेकिन क्या है, क्या करे सर, कई बार सिस्टम ऐसा हो जाता है कि मोनोपोली से वो चलता नहीं है, ठीक है, मोनोपोली सॉरी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वो चल नहीं सकता। तो तब क्या करना पड़ता है, तब ऑटोमेटिकली उसमें क्या लाना पड़ता है सर, मोनोपोली लाना पड़ता है। लेकिन सर अगर मार्केट को थोड़ा सा सिंपल करना है, कंपटीशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स इंक्रीजेस आउटपुट। अगर दोनों अलग अलग प्रोड्यूसर्स रहेगा, 2, 4, 5, 10 प्रोड्यूसर्स रहेगा, अलग अलग मार्केट में प्लेयर्स रहेगा, जैसे कि मोबाइल फोन में अगर अगर नेटवर्क में ही दो देख लो आप, अलग अलग नेटवर्क कंपनीज आया एक दूसरे के साथ, जैसे सबसे ज़्यादा तो इसको चेंज कर दिया जियो ने, ठीक है, जियो ने दिखा दिया कि भाई हम चाहे तो सस्ता में भी अच्छा चीज़ दे सकते हैं, और ऑटोमेटिकली बाकी कंपनीज को भी शिफ्ट होना पड़ा। तो कंपटीशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स इंक्रीज आउटपुट एंड ड्राइव डाउन प्राइस। तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया, सस्ता पड़ गया, है ना? और प्रोडक्ट प्राइस सस्ता पड़ गया तो रिवोल्यूशन आ गया सर। आज गांव में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे लोग मूवीज देख सकता है, लोग इंटरनेट से काम कर सकते हैं, लोग पढ़ाई कर सकते हैं, लोग नॉलेज ले सकता है। और अगर नेटवर्क महंगा होता, अगर नेटवर्क महंगा होता तो नहीं होगा, और भी सस्ता हो जाएगा, आपको बता रहा हूँ मैं। देखो सर धीरे धीरे ये नेटवर्क और सस्ता होगा, भारत के कोने कोने तक नेटवर्क पहुंचेगा,
और ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ जॉब, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एवरीथिंग बहुत पॉपुलर हो जाएगा। ऑफलाइन भी रहेगा बट ऑनलाइन इज मतलब ऑनलाइन फ्यूचर इज अ फ्यूचर। क्यों? ऑनलाइन के कारण जिसको कभी भी मौका नहीं मिलता था उसे भी मौका मिलेगा, और आप चीप में बेस्ट चीज मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सस्ते में अच्छा चीज मिलेगा। हाँ सर, सच में लिख के रख लो, आप लिख के रख लो। नेटवर्क जितना सस्ता पड़ेगा और लोगों के पास इसका सुविधाएं पहुंचेंगे और सारा लोग सप्लाई देने के लिए आ जाएगा और ऑनलाइन में चीप में बेस्ट प्रोडक्ट मिलना चालू हो जाएगा। आप ही बताओ ना, जब सिर्फ ऑफलाइन मार्केट हुआ करता था, कपड़ा मार्केट ही सोच लो, सिर्फ ऑफलाइन मार्केट, मतलब मार्केट में आपके घर के बगल में कोई दुकान है या फिर कोई बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, आपको सिर्फ वहीं पर जाके शॉपिंग करना होता था। लेकिन आज अगर ऑनलाइन मार्केट आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, अमेजन आ गया, जस्ट दिल पे हाथ रख के बोलो, ऑनलाइन आने के कारण मार्केट सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज टेल मी सर। कोई भी ज्वेलरी ले लो, फैशन प्रोडक्ट्स ले लो, हाँ एवरीथिंग, ज्वेलरी से लेके फैशन प्रोडक्ट्स एवरीथिंग सस्ता हो गया ना अर्पिता? यस सर। हाँ एकदम जेन्युइन बात है सर। क्या शालिनी, सौमन्नीता, आप लोगों को क्या लगता है, जिस एक जमाना था सर जब सिर्फ ऑफलाइन मार्केटिंग हुआ करता था, मतलब वो भी आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, ले लिया तो ले लिया, हाँ पसंद नहीं आया तो भाई चेंज कर दो, चेंज भी नहीं करेगा, हाँ। लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में आप खरीदते हो, एक्सचेंज करते हो, दूसरा प्रोडक्ट लेते हो, मजा आ गया सर, हाँ। डेमोक्रेसी ये है ऑनलाइन, ये कंपटीशन को ख़त्म करेगा, ये कंपटीशन को ख़त्म करेगा। तो जो भी हो, मोनोपोली भी है मार्केट में, बहुत सारा सेक्टर्स आज भी मोनोपोली में चलता है। तो यह पर आपको मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ, क्या आपको जो दिखा रहा हूँ मैं दिख रहा है आप लोगों को, या फिर और बड़ा करें सर थोड़ा सा? देखो सर, द वेरी स्पेशल ग्राफ, ध्यान से देखिएगा, हाँ लुक एट हियर। इस ग्राफ के अंदर मोनोपोली मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन दोनों चीजें हैं, मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन दोनों चीज है, ठीक है। जैसे मानो सर, परफेक्ट कंपटीशन क्या चाहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस ज्यादा रहता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कम होने के कारण इसका क्वांटिटी डिमांड क्या होता है मार्केट में, बढ़ जाता है, हर कोई लेना चाहता है। डिमांड विल ऑलवेज बी हायर एट लोअर प्राइस, ये तो सबको पता है, डिमांड विल ऑलवेज बी हायर एट लोअर प्राइस, है ना। दाम कम होगा तो डिमांड ज्यादा हो ही जाएगा। लेकिन जब बात मोनोपोली का है तो मोनोपोली में चीज महंगा हो जाता है और सप्लाई इन मोनोपोली क्या हो जाता है, कम कर देते हैं, सप्लाई इन मोनोपोली कम हो जाते हैं। परफेक्ट, ये सप्लाई कर्व है, दिस इज अ सप्लाई कर्व, हाँ सर, दिस इज अ डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई है। सप्लाई क्या हो गया मोनोपोली में, कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सप्लाई कम करता है। क्यों? मोनोपोली का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो ज्यादा दाम में प्रोडक्ट सेल करना पसंद करता है शुरू शुरू में, धीरे धीरे उसको दाम को कम करते हैं, धीरे धीरे, जल्दी नहीं करता। क्यों? क्योंकि शुरुआत में वो मोनोपोली एंजॉय करता है कि भाई मेरे पास छोड़ के और किसी के पास आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो शुरू में तो मैं महंगा करूंगा फिर धीरे धीरे कम करूंगा। इसलिए मोनोपोली बिजनेस में थोड़ा महंगा ही होता है। IRCTC के केस में एक अलग बात क्या आ जाता है कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल है तो वो चाह के भी बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाता। लेकिन अगर गवर्नमेंट का हाथ हट जाए और सिर्फ IRCTC जैसे कंपनीज को ही सिर्फ अगर मौका दिया जाए कि भाई आप दाम तय करो, तो वो अपने मर्जी से दाम को बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर दाम बढ़ाएंगे तो भी लोग आएगा, दाम बढ़ाएंगे तो भी लोग आएगा, ठीक है। तो वो देख लेगा कि किसमें वो कस्टमर ज़्यादा का, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल है तो इसलिए थोड़ा बहुत दाम को वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का फर्क देख रहे हो सर? मोनोपोली में प्राइस नॉर्मली ज्यादा रहेगा, सप्लाई ऑटोमेटिकली कम कर देगा। परफेक्ट कंपटीशन में दाम को कम कर देंगे और क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा देंगे, और मोनोपोली में क्वांटिटी डिमांड को घटा देंगे, ठीक है, डिमांड भी कम हो जाता है। लेकिन सर अगेन, रेलवेज के, इंडियन रेलवेज के केस में बात ये हो जाती है कि रेलवे का डिमांड कम नहीं कर सकते बिकॉज कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो IRCTC प्योर मोनोपोली तो है बट क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल है, सो प्राइस वाइज मैं आपको क्लियर कट, मतलब एग्जैक्टली अगर प्राइवेट लेवल में होता तो शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाता कि अच्छा बेटा इसलिए इसका दाम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मोनोपोली बिजनेस में ऐसा होता है सर, ठीक है।
नॉर्मली इकोनॉमी के लिए मोनोपोली थोड़ा कंज्यूमर के लिए एक खतरा बन जाता है, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ मोनोपोली वर्क्स। हाँ सर, इतना तो नॉलेज आपको हो ही गया होगा कि मोनोपोली कैसे काम करता है। बोलिएगा सर, समझ में आए तो भी बोलिए, ना आए तो भी बोलिए। अर्पिता बुझते 25 की 25 ना बोल। यस सर। ओके, अच्छा तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाइज मोनोपोली को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। केस वगैरह बहुत देखे, IRCTC देखे, टेलीकम्युनिकेशन देखे, मज़ा आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अब मज़ा से थोड़ा सा और मज़ा लेते हैं, लेकिन ग्राफ के साथ, ग्राफ एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ। सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर, सर मोनोपोली पावर मे बी क्रिएटेड विद द फॉलोइंग सोर्स। क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है? लीगल प्रोहिबिशंस, जैसे कि गवर्नमेंट अगर किसी और को लाइसेंस नहीं देगा तो क्या और कोई आ सकता है रेल के बिजनेस में? आप बता दो सर, अगर गवर्नमेंट किसी को परमिशन नहीं देता है, लाइसेंस नहीं देता है, तो बाकी दूसरा कोई क्या रेलवेज में आ सकता है? यस और नो? नो सर। है ना, नहीं आ सकता। जब तक गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देगा तब तक नहीं आ पाएगा। तो लीगल प्रोहिबिशन होते हैं, तो क्योंकि लीगल प्रोहिबिशन होते हैं तो आपके पास कोई चारा नहीं है। सर पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, अगर आपके अलावा ऐसा पेटेंट और किसी के पास में नहीं है तो फिर वैसा बिजनेस और कोई नहीं कर सकता। जैसे कि पेप्सी, कोको कोला या फिर एनी काइंड ऑफ, कि जिस बिजनेस करने का कॉपीराइट आपके पास है वो कोई और नहीं छीन सकता, ठीक है। जैसे मानो कि मूवीज निकलते हैं, उसका कॉपीराइट होता है, ठीक है। मूवीज जो प्रोड्यूसर्स निकालते हैं वो मूवीज का कॉपीराइट उनके पास ही होता है, प्रोड्यूसर्स के पास। तो वो कॉपीराइट किसी और के हाथ में जाता तो वो कोई और सेल कर देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसके पास कॉपीराइट है, उनके अलावा और कोई उसको सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब किसी केस में पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क का केस आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो मोनोपोली हो जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज टू रिस्ट्रिक्शन एंड एंट्री, कंट्रोल ऑफ द सोर्स ऑफ सप्लाई बाय वन फार्म, ठीक है, कंट्रोल ऑफ द सोर्स ऑफ सप्लाई बाय वन फार्म। अगर गवर्नमेंट चाहते हैं या सिस्टम चाहते हैं कि एक ही फार्म से सप्लाई मिले, क्वालिटी ठीक रहेगा, ठीक है, क्वालिटी ठीक रहेगा, कंट्रोलिंग ठीक रहेगा, दो चार चार पांच ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए हमें, तो गवर्नमेंट क्या करेगा उसको, गवर्नमेंट क्या करेगा उसको, कंट्रोल ऑफ सोर्सेज ऑफ सप्लाई बाय वन फार्म करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो मोनोपोली में ही रहेगा, ऑटोमेटिकली वो मोनोपोली में ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग अगर बस सर्विस जानते हो ना, बस सर्विस, हाँ सर बस सर्विस समझते हो, जो किसी भी सिटी में बस चलता है, बस, ठीक है, उसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं बस, ओके, BUS, बस। सर बस इन मुंबई, मैं आपको मुंबई लेके जा रहा हूँ, सर मुंबई में जो बस चलता है ना इसको BST बोलते हैं। ये है बॉम्बे का बस, ठीक है, ये बॉम्बे BST का बस है और ये बॉम्बे स्टेट ट्रांसपोर्ट का है। सर हमारे कोलकाता में भी स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस चलता है, बट कम कंपेयर टू बॉम्बे। हमारे कोलकाता में प्राइवेट बस ज़्यादा चलता है, मतलब लोकल बस हमारे कोलकाता में भी पहले प्राइवेटाइज सिस्टम पे नहीं चलता था, सब सरकारी बस ही चलता था, बट कोलकाता में धीरे धीरे प्राइवेट सिस्टम में बस आना चालू हो गया। बट बॉम्बे में आज भी BST के बस बहुत ज़्यादा चलता है। कोलकाता में बस स्टैंड में खड़े होने से जो बस आता है, चलो मैं आपको कोलकाता में बस दिखाता हूँ, ये देखो सर, ये जो बस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बस सरकार का बस नहीं है, सरकारी बस अलग होता है। कोलकाता में सरकारी बस भी चलता है, उसमें ऐसा लिखा रहता है, CTC लिखा रहेगा, कलकत्ता ट्राम कंपनी का बस है तो, या फिर लिखा रहेगा क्या बोलते हैं उसको, SBSTC, WBSTC, बट बहुत कम चलता है सर, बहुत ही कम, ठीक है, कंपेरेटिवली। कोलकाता में ज़्यादातर आपको ये बस दिखेगा, ऐसा वाला बस, ठीक है, ऐसा टाइप का बस दिखेगा। ये सब बसेस सर सरकारी नहीं होता, प्राइवेट लेवल में होता है, ठीक है, मतलब किसी ना किसी इंडिविजुअल का है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट कंट्रोल में ही चलना पड़ता है।
अपने मर्जी से भाड़ा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कितना पैसेंजर लेना है, एकदम मतलब खचाखच भीड़ बढ़ाना है, वो अलग बात है, ठीक है। तो सरकारी लेवल में बॉम्बे में अभी भी बस चलता है, सरकार के कंट्रोल में, ये सब सरकारी खरीदता है और सरकारी चलाते हैं, इस टाइप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये BST बसेस है, वो कोलकाता का बसेस है, ठीक है, तो कोलकाता में भी चलता है। तो ये देखना पड़ता है, गवर्नमेंट को देखना पड़ता है, ठीक है, कि वो किस तरह से बिजनेस को रन करने देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, बस और कुछ नहीं, कंट्रोल ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ बाई वन फार्म। अगर गवर्नमेंट चाहते कि हम ही बस चलाएं, हम ही बस को देखें, हम ही लोगों को ड्राइवर रिक्रूट करें, और अगर प्राइवेटली दे दो तो अपना जिसका बस है वही देख लेगा कौन ड्राइवर होगा, वही देख लेगा कौन कॉन्ट्रेक्टर होगा, वही देख लेगा पैसेंजर का कितना पैसेंजर रखाएंगे बस के अंदर, सब उसके हाथ में। लेकिन गवर्नमेंट करेगा तो गवर्नमेंट में जॉब देना, ड्राइवरी देना, गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्टर देना, सब सरकार का हो जाएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब सरकारी रखना है और कब प्राइवेट कर देना है। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, यस सर, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है जो रोज की जिंदगी में देखने को मिलता है सर, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा आपका आँख कान खुला रखते हो, हर चीज दिखता है। किताबों में जो लिखा होता है ना, वो सिर्फ किताबी बात नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं क्यों, कोई भी टीचर बोलेगा, कोई भी टीचर बोलेगा, और बोलना भी चाहिए, कि जो किताब में लिखा है वो सिर्फ किताबी बात नहीं है। सो डोंट जस्ट मगअप, किताब खोल के जो भी पढ़ते हो ना, उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर लिया करो, आधा से ज़्यादा काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बस मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या पढ़ेगा या पढ़ने वाले हैं, सब कोई जो भी ये सुन रहे हो, सबको बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको ना हमेशा रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करो। नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट को ही रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, तो क्या होगा ना, पढ़ना सार्थक होगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू अंडर मोनोपोली, अंडर मोनोपोली। तो मोनोपोलिस विल स्टार्ट फ्रॉम चार्जिंग द हाइस्ट प्राइस। मैं आपको पहले ही बोला था कि मोनोपोलिस जो होते हैं ना, वो हमेशा ना पहले ज़्यादा दाम चार्ज करता है, एंड विल गो ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस टू हैव मोर सेल्स। फिर धीरे 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 वो अपना प्राइस को घटाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज उसको लगता है कि शुरू में वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कर लेगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपना प्रोडक्ट का जो रेंज है, प्राइस रेंज को कम करके पहले से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहता है। दस मोर ऑफ ए कॉमोडिटी कैन बी सोल्ड बाई ओनली लोअरिंग इट्स प्राइस। ये मोनोपोली का कैरेक्टर है, पहले दाम ज़्यादा रखेगा, फिर प्रोडक्ट का प्राइस या सर्विस का प्राइस धीरे धीरे कम करेगा। एवरेज रेवेन्यू इज द डिमांड कर्व, जो इसका एवरेज रेवेन्यू है यही इसका डिमांड कर्व है, मैं आपको पहले ही दिखाया। एंड इट विल स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, और ये डाउनवर्ड टू द राइट होते हैं। और मार्जिनल रेवेन्यू का विल ऑल्सो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग, धीरे धीरे मार्जिनल रेवेन्यू भी इसका कम होता है टू द राइट। एंड मार्जिनल रेवेन्यू का विल बी लाई बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड वाई एक्सिस के बीचों बीच। द रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज जस्ट डबल द रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ द एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। मतलब जिस रेट में इसका एवरेज रेवेन्यू कम होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इसका डबल रेट में कम होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये लॉन्ग रन में बिजनेस का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको ग्राफ में यहाँ पर दिखाया। ये देखो, जो बात मैंने अभी आपसे किया, ये ग्राफ के अंदर भी मैंने आपको बताया कि इसका प्राइस लाइन पहले क्या होता है, ज़्यादा होता है, धीरे 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 इसका एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। धीरे धीरे इसका एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड होता है, जो उसका एवरेज रेवेन्यू होता है वही उसका डिमांड का भी होता है ना, वो उसका डिमांड का भी होता है। ये देखो डिमांड बढ़े जा रहे हैं, पहले क्या है ना, पहले बहुत ही कम लोग इसका प्रोडक्ट खरीद पाता था। ये देखो ये क्वांटिटी है, ठीक है। मानो पहले दाम था कोई भी प्रोडक्ट का दाम, से फॉर एग्जाम्पल पहले 50 का प्राइस था, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन धीरे 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 इसका प्राइस लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दाम ज़्यादा में ना कम लोग खरीदेगा, 10 जन खरीद रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे दाम कम हो रहा है। क्यों दाम क्यों कम हो रहा है? क्या मार्केट डिसाइड कर रहा है दाम कम करने के लिए? नहीं, ये फार्म ही डिसाइड करेगा कि भाई हमें अभी पहले से ज़्यादा कस्टमर को बेचना है, तो 20 कस्टमर को बेचेंगे तो थोड़ा और दाम कम कर दो तो कस्टमर आ जाएगा, थोड़ा और कम कर दो तो कस्टमर आ जाएगा, थोड़ा और कम कर दो तो और कस्टमर बढ़ जाएगा, थोड़ा और कम कर दो तो कस्टमर और आ जाएगा। तो धीरे धीरे सेल क्या हो जा रहा है सर, क्वांटिटी सेल बढ़ जाएगा, और फार्म का रेवेन्यू लाइन जो है धीरे 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 डाउनवर्ड होगा, एकदम डाउनवर्ड नहीं होगा, धीरे धीरे डाउनवर्ड होगा। इसमें इसका एवरेज रेवेन्यू कम होगा लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा,
ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू और फार्म का डिमांड का धीरे धीरे लोअर हो जाएगा। अच्छा, तो इसका जो एवरेज रेवेन्यू लाइन है और इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से भी ज़्यादा डबल रेट में कम होगा। ठीक है सर, इसको समझने के लिए, इसका समझने के लिए हमें सर थोड़ा सा ये टेबल समझना पड़ेगा, तो थोड़ा धीरज के साथ, पेशेंस के साथ, थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलो, फिर मैं आपको ग्राफ पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा पेशेंस चाहिए आप लोगों का और थोड़ा सा सीखने की इच्छा ऐसे आप लोगों के अंदर बहुत है। सर प्राइस देखो, प्रोडक्ट प्राइस 10 है, फिर प्रोडक्ट प्राइस 9 है, फिर प्रोडक्ट प्राइस 8 है, फिर प्रोडक्ट प्राइस 7, 6, 5, 4, 3। मोनोपोली बिजनेस है, धीरे धीरे अपनी प्राइस को कम कर रहा है। स्टार्टिंग में प्राइस ज़्यादा है, क्यों? बिकॉज उसको पता है ज़्यादा रखेंगे तो भी लोग आएगा। जैसे कि प्लेन का दाम पहले ज़्यादा है, लोगों ने खरीदा, धीरे धीरे कम किया ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब प्राइस 10 है उस सिचुएशंस में आउटपुट कुछ नहीं है, रेवेन्यू भी कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर। तो लेकिन प्राइस 10 में इसका टोटल रेवेन्यू पहले तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले उसके बाद थोड़ा सा प्राइस को कम किया, 10 से प्राइस को 9 कर दिया। पहले अगर 0 आउटपुट था, अभी 2 आउटपुट हो रहा है। ठीक है, मतलब 2 आउटपुट मतलब बेसिकली सेल। ठीक है, 2 सेल हो रहा है, तो 9 × 2 करके टोटल रेवेन्यू हो रहा है इसका 18। अगर टोटल रेवेन्यू 18 है तो टोटल रेवेन्यू से आउटपुट से डिवाइड करो, मतलब क्वांटिटी से डिवाइड करो, 18/2, एवरेज रेवेन्यू भी 9 और मार्जिनल रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू का चेंज और प्राइस का चेंज। हाँ सर, सॉरी, टोटल रेवेन्यू का चेंज और आउटपुट का चेंज, टोटल रेवेन्यू चेंज इन TR डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वान्टिटी या चेंज इन आउटपुट। सो 0 to 18 का चेंजेस कितना? 18, और 0 to 2 का चेंजेस कितना? 2। सो 18/2 कितना हो जाता है? 9। याद है सर, रेवेन्यू चैप्टर में सिखाया गया था आप लोगों को हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू एंड हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। कुछ याद आ रहा है? अरे भूलना नहीं है सर, बोलो, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? बोलो सर, बोलो एक बार, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है सर? अगर नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा। नहीं आ रहा है तो बोलो, फिर से समझाऊंगा। अर्पिता, शालिनी, समन्विता, बोलो सर। या आगे बढ़ो? आ रहा है, ओके सर, ठीक है। तो जैसे देखो सर, प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया, आउटपुट बढ़ गया थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे दाम कम होने से डिमांड थोड़ा बढ़ी जाता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। दाम को कम क्यों किया गया? ताकि ज़्यादा सेल हो पाए, ज़्यादा लोगों को सेल कर पाए। तो देखो सर, यहाँ पर इसका एवरेज रेवेन्यू 9 हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू 9 हो गया, और वो कैसे हुआ मैंने आपको अभी दिखाया। सर देखो, फिर से 9 से 8 हो गया, अब आउटपुट थोड़ा और बढ़ गया, 24 हो गया टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज रेवेन्यू का क्या कॉन्सेप्ट है? टोटल रेवेन्यू का, जो ये देखो, ये टोटल रेवेन्यू क्या हो गया सर? 18 से 24। ठीक है, 18 से 24 कितना होता है? 6। ठीक है, तो जैसे ये कैसे आया था? 0 से 18/2 करके 9 हो गया था, ये 18/24 मतलब 6 6/1। सर ये 6 होना चाहिए ना। एवरेज रेवेन्यू 8 क्यों होगा? कुछ गड़बड़ है क्या? एवरेज रेवेन्यू का कैलकुलेशन क्या है? टोटल रेवेन्यू बाई आउटपुट ना, यही तो एवरेज होता है। टोटल रेवेन्यू बाई आउटपुट करके ही तो एवरेज मिलता है। ये 8 क्यों होगा? ये वाला तो ठीक था, 0/18/2 9 हो गया था, 18/24/1 6/1 होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू तो 6 ही हो रहा है, बिकॉज चेंज इन टी आर बाई चेंज इन आउटपुट। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू
8 होगा। क्यों याद है किसी को एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या हमसे? बोलो सर, मैंने आप लोगों को एवरेज रेवेन्यू का कैलकुलेशन तो सिखाया था, क्या गड़बड़ हो गया मेरे से? कौन बताएगा मुझे? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सर एवरेज रेवेन्यू ठीक ही तो कर रहे हैं, TR बाई Q क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। सो व्हाट इज द डिफरेंस फिर? मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टोटल रेवेन्यू बाई डेल्टा क्वांटिटी, डेल्टा टोटल रेवेन्यू बाई डेल्टा क्वांटिटी। और एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है? TR बाई Q, मतलब एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम कर दिया? यहाँ पर तो सही तो हुआ होगा सर। दूसरे सेकंड एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं। डेल्टा TR बाई Q, Q मतलब क्वांटिटी ना, तो 18 से 24, 18 से 24 तो 6 होता है और 2 से 3 तो 1 ही होता है। आउटपुट में चेंज क्वांटिटी। ओ, सॉरी 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 सर, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं तब से गलत बोले जा रहा हूँ। मैं बार बार एवरेज रेवेन्यू का कैलकुलेशन कर रहा हूँ और आपको मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बता रहा हूँ। ओहो सर, आप लोगों को समझ में आया कि मेरा गलती क्या हो रहा था? मुझे तो 24/3 करना चाहिए ना, तभी तो ईट आ जाएगा। यस टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। हाँ आप लोगों ने गलती पकड़ा ही नहीं मेरा। मैं क्या कर रहा हूँ? तब से चेंज इन टोटल रेवेन्यू कर रहा हूँ, 18/24 का चेंज देख रहा हूँ। चेंज तो कब देखना चाहिए मुझे सर? चेंज तो मुझे मार्जिनल के टाइम पे देखना चाहिए, है ना? देखो आप लोग बोले नहीं, बोलना चाहिए ना सर कि आप गलत कर रहे हो, या फिर आपको थोड़ा बताना चाहिए कि सर हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बताना चाहिए था सर, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आप लोगों से, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को मैंने सिखाया, ये थोड़ा सा किसी कारण से मेरे से क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। बोलते बोलते मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, आपको मार्जिनल रेवेन्यू बता रहा हूँ। तब से मार्जिनल रेवेन्यू में हमें चेंज देखना होता है, मतलब लाइक 18 से 24 का चेंज देखना होता है, बट हमें तो चाहिए एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? TR/Q। एवरेज का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। तो जैसे कि यहाँ पर 18/2 हुआ था, 9 हो गया था। 24/3 करेंगे 8 होगा, 28/4 करेंगे 7 होगा, 30/5 करेंगे 6 हो जाएगा, 30/6 करेंगे 5, 28/7 करेंगे 4, 24/8 करेंगे 3। इस तरह से आता है एवरेज रेवेन्यू सर, इस तरह से एवरेज रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा? मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा? चेंज इन TR। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन TR डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। तो TR का चेंज देखो ना, 0 से 18 का चेंज, कितने का चेंज? 18 का चेंज। 0 से 18 का चेंज, 18 का चेंज, उसको डिवाइड करना है 0 से 2 का चेंज का, तो 18/2। सिमिलरली 18 से 24 का चेंज, 18 से 24 का चेंज कितना? 6 का चेंज, 6 का चेंज। और आउटपुट का चेंज 2 से 3 का चेंज, 6/1, 6। 24 से 28 का चेंज, कितने का चेंज? 4 का चेंज, मतलब टोटल रेवेन्यू का चेंज कितना है? 4, 4, 4। और 3 और 4 का चेंज 1, तो 4/1, 4, ये देखो 4। 28 से 30, 2 का चेंज। 4 से 5, 1 का चेंज, 2, 2/1, 2। 30 से 30 का चेंज 0, 5 से 6 का चेंज 1, ठीक है? तो 0/1, 0। 30 से 28 -2, ठीक है? 6 से 7, 1, तो -2/1, 2, -2। 28 से 24, 28 से 24 होना, -4 होना, -4/7 से 8 का चेंज, -4/1, तो क्या हो जाएगा? -4। समझ गए सर? यस सर। बोलो, है ना? तो इस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू भी आ गया सर। ये तो था कैलकुलेशंस, ये तो था कैलकुलेशन टेबल, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेशन टेबल। लेकिन इससे अभी क्या करना है? एनालिसिस निकालना है, ठीक है? देखो सर एक चीज़ देखो, धीरे धीरे मोनोपोली बिजनेस ने क्या किया? मोनोपोली बिजनेस आप IRCTC को दिमाग में रख सकते हो, या फिर कोई भी एयरलाइंस कंपनी को रख सकते हो, या फिर कोई BSNL जैसे, या नेटवर्क बिजनेस की के एयरटेल को सोच सकते हो, जिसका जब कंपटीटर नहीं था ऐसा मार्केट, ऐसा मार्केट जब कोई कंपटीटर नहीं था, तो पहले प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे प्राइस को थोड़ा कम किया, फिर और कम, 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 इस तरह से अपना प्राइस को कम किया।
देखो सर, एक बात, मोनोपोली बिजनेस में क्या होता है, जो फार्म होते हैं वही प्राइस टेकर होता है, वही प्राइस मेकर भी होता है ना? बिकॉज यहाँ पर एक ही फार्म है वही इंडस्ट्री है। तो स्टार्टिंग सिचुएशन में जब प्राइस थोड़ा हाई राइज में होता है, जब प्राइस थोड़ा हाई रेंज में होते हैं, जैसे कि 10, 9, 8 ऐसे सिचुएशंस, इसमें क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। देखो 0 से 18 हो गया, 18 से 24 हो गया, 24 से 28 हो गया, 28 से 30 हो गया। ये एक रीजन है जब बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ता गया। और इस सिचुएशंस में अगर आप एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का हालत देखोगे, एवरेज रेवेन्यू 9 है, मार्जिनल रेवेन्यू 9 है, एवरेज रेवेन्यू 8 है, मार्जिनल रेवेन्यू 6 है, एवरेज रेवेन्यू 7 है, मार्जिनल रेवेन्यू 4 है। सर क्या समझ में आ रहा है? सर स्टार्टिंग में एवरेज मार्जिनल सेम, बट उसके बाद धीरे धीरे देखो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल से ज्यादा है, ए आर ग्रेटर देन एम आर। सही बोला क्या? नहीं, ए आर ग्रेटर देन एम आर, 8 से ज्यादा 6 से ज्यादा है, 7 4 से ज्यादा है, 6 जो है वो 2 से ज्यादा है। बोलो सर, बात कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जब स्टार्टिंग सिचुएशंस में फार्म का टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है, उस सिचुएशंस में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होता है। ये बात पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर। अब सेम चीज आप ग्राफ ग्राफ के थ्रू से भी देख सकते हो, ग्राफ के थ्रू से भी आप देख सकते हो। ये रहा आपका ग्राफ, ये रहा आपका मोनोपोली का ग्राफ। क्या दिखा रहा है मोनोपोली ग्राफ आपको? आपका एवरेज रेवेन्यू धीरे धीरे ये ज्यादा है ना, और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। और आपको अभी क्या समझाया सर, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। जब ऐसा सिचुएशन रहता है तब क्या होता है, फार्म का टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुआ। अब इसका और भी पहलू बाकी है। दूसरा क्या है सर, दूसरा पहलू ये है, दूसरा सिचुएशन क्या है, अब क्या होगा, धीरे धीरे आपका टोटल रेवेन्यू पॉज हो जाएगा 30 में आके, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। तो जैसे ऐसे होता है ना बिजनेस में, कभी ना कभी तो होता ही है, चाहे रीजन कुछ भी हो। फिर एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा, धीरे धीरे देखो एवरेज रेवेन्यू 6 हो गया, 5 हो गया, मार्जिनल और कम हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। फिर एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू कम होना चालू हो जाएगा 28। जब टोटल रेवेन्यू भी गिरना चालू होगा ना, तब एवरेज रेवेन्यू भी गिरना चालू होगा। और अगर टोटल रेवेन्यू गिर गया कंपनी का, अगर कंपनी का टोटल रेवेन्यू गिरना चालू हो गया, जैसे IRCTC का बिजनेस में तो अभी ये दिन आया नहीं है, बट तो अगर कभी ऐसा होता है, ठीक है, जैसे एक बिजनेस मेरे दिमाग में चल रहा है सर। एक जमाना था भारत में, एक गाड़ी हुआ करता था, ये मेरे दिमाग में पहले आ जाना चाहिए था, अब जाके आया है सर। मेरे दिमाग में तब से चल रहा था कि कोई ऐसा कंपनी, मेरे दिमाग में बस इंडियन रेल घुस गया था, IRCTC चिल्ला रहा हूँ। लेकिन क्या आपको ये कंपनी के बारे में नॉलेज है सर, एम्बेसडर कंपनी के बारे में? सब कोई देखा है, हिंदुस्तान मोटोर। अरे बाबा, अपना टैक्सी रे बाबा, टैक्सी। सर एक जमाने में भारत में यही कार हुआ करता था, जानते हो आप लोग? यस सर। इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हुआ करता था। गाड़ी मतलब एम्बेसडर है ना, गाड़ी मतलब एम्बेसडर। इसको कंपीट करने के लिए 1980s में पहली बार भारत में कोई गाड़ी कंपनी लाया गया, 1980s में, 84 मोस्ट प्रोबली, मारुति। ठीक है, मारुति सुजुकी, सुजुकी के साथ टाई अप करके इसका कॉम्पिटिटर की तरह मारुति सुजुकी आया। बट उससे पहले भारत में प्राइवेट कार में, स्पेशली इन प्राइवेट कार सेगमेंट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, एम्बेसडर ही एम्बेसडर था। कलकत्ता के रास्ते में अभी भी दिखता है ना सर, आप लोग जानते हो, हिंदुस्तान मोटर इन टैक्सी, हिंदुस्तान मोटर टैक्सी, कोलकाता के रास्ते में अभी भी आपको टैक्सी भर भर के दिख जाएगा, है ना? अभी भी कोलकाता के सड़क में एकदम हावड़ा स्टेशन में आते ही दिख जाएगा आपको टैक्सी ही टैक्सी। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला सर, क्या आज एम्बेसडर कंपनी है? आप लोगों को पता है कि ये कंपनी है कि नहीं? इसका इसका और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है सर, आपको बता दूं, एम्बेसडर का प्रोडक्शन बंद हो गया है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2016 में ही ये बिजनेस बंद कर दिया गया, इसका कोई न्यू प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो दूसरा कंपनी चालू किया है, ठीक है, दूसरा कंपनी चालू किया है जिसका नाम है प्यूगेट, प्यूगोट मोस्ट प्रोबली फ्रांस का कंपनी है,
हिंदुस्तान मोटर सेल्स आइकॉनिक एम्बेसडर ब्रांड टू प्यूगोट। ये एक फ्रांस का या जर्मनी का कंपनी है, ठीक है, जिसको इसने सेल कर दिया, अपना ब्रांड को सेल किया। फ्रांस का कंपनी है, फ्रांस बेस्ड ऑटो मेकर पिगोट एसे फॉर 80 करोड़ में सेल किया इसका जो ब्रांड है। द फ्रेंच कंपनी हैज फॉर्मड एन अलायंस विद सी के बिरला ग्रुप, जिसका पहले एम्बेसडर था, एंड विल प्रोड्यूसिंग कार्स एंड ऑटोमोटिव प्लांट इन तिरुवल्लर एंड तमिलनाडु। अभी देखो कब बनेगा, ऐसे सुना कि मैंने न्यू एम्बेसडर बनेगा, लेकिन अभी भी आया नहीं सर। तो पुराना एम्बेसडर बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस बंद कब होता है, ये भी तो मोनोपोली बिजनेस करता था, ये तो समझ में आ गया सर। एम्बेसडर तो मोनोपोली था, मानोगे? एम्बेसडर मोनोपोली था, मानोगे? यस सर। बिल्कुल मोनोपोली था, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। अप टू इवन अप टू 2000 तक मार्केट में एम्बेसडर जैसा गाड़ी का बहुत महत्व था। 2000 के बाद धीरे 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 इसका मार्केट शेयर गिरने लगा, प्राइवेट कंपनीज आने लगा, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज आना चालू कर दिया, ठीक है। सो इसका मतलब ये भी पता चल रहा है कि अगर आपका बिजनेस मोनोपोली भी क्यों ना करता हो, आपको भी रेवेन्यू को गिरने देखना पड़ सकता है। तो जब बिजनेस में ऐसा हालत होता है, जैसे कि इस बिजनेस में देखो, इसका 28 का रेवेन्यू हो गया 30 से, तो एवरेज रेवेन्यू गिर जाएगा, और इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जा रहा है। खतरा है, खतरा है सर, ठीक है। 28 से 24 हो गया, एवरेज रेवेन्यू और गिर गया, 3 में आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में चला गया। तभी आपको ग्राफ के ड्रॉ करने के टाइम पे मैंने दिखाया था आपको, ये देखो सर, आपका मार्जिनल रेवेन्यू दिस इज 0 पॉइंट, 0 पॉइंट क्रॉस करके नीचे आ गया, 0 पॉइंट क्रॉस करके नीचे आ गया, ठीक है, नेगेटिव में आ गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू मोनोपोली बिजनेस में नेगेटिव जाना मतलब बिजनेस का हालत खराब जा रहा है सर। अभी अगर अभी भी सुधारा नहीं गया तो एम्बेसडर जैसा बंद हो जाएगा, सुधारा नहीं गया तो एम्बेसडर जैसा बंद हो जाएगा। किसी भी बिजनेस में ऐसा दिन हो सकता है। एम्बेसडर का बिजनेस क्यों बंद हो गया, क्या इसके पास पैसा नहीं था? पैसा भरपूर था। मुश्किल ये हो गया कि ये अपने प्लांट को चला जो जहां पर, जैसे इसका एक प्लांट चेन्नई में है, एक कलकत्ता में, हिंद मोटर में है, गंगा किनारे। प्रॉब्लम ये हो गया सर, इनोवेशन नहीं लाया। क्या नहीं लाया सर? इनोवेशन नहीं लाया, अपने आप को समय के साथ बदलाया नहीं, पेट्रोल कंजम्पशन या डीजल कंजम्पशन पे काम नहीं किया, एसी गाड़ी बिल्डिंग में काम नहीं किया, ठीक है, अपने डिजाइन भी फोकस नहीं किया, न्यू जनरेशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी बूमिंग के साथ अपने आप को नहीं कर पाया, टेक्नोलॉजी के साथ बेसिकली अडाप्ट नहीं कर पाया। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अडाप्ट करना जरूरी था, ठीक है। अगर अगर अडाप्ट कर लेता ना तो पुराने, जैसे ये क्या लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग 1970 में हैं। ये गाड़ी जब भी देखते हैं इट्स फील लाइक 1970, 1980s, है ना। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा गाड़ी कैसा दिखेगा सर। बट बहुत सेफ कार है, रियली सेफ कार। इसका जो बनावटी स्टाइल है, दोनों तरफ से जिस तरह से पीछे का हिस्सा, सामने का हिस्सा, बहुत ही सेफ लगता है एम्बेसडर चढ़ के, कोई भी आम कार से। मैं पर्सनली काफ़ी प्रेफर करता हूँ एम्बेसडर, बट चेंज होना चाहिए था, पेट्रोल कंजम्पशन, डीजल कंजम्पशन वगैरह में ध्यान देना चाहिए था, है ना। इंजन में दम बहुत है, इंजन में दम बहुत है, लेकिन वही बात सर, समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, तो बिजनेस का हालत क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू गिरने लगा, लॉस में चला गया, एवरेज रेवेन्यू कम होने लगा, और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जाने लगा। तो ऐसे हालत हो जाता है सर मोनोपोली का भी, ठीक है, मोनोपोली का भी ऐसा हालत हो सकता है अगर आपने आपको समय के साथ नहीं बदलाया जाता। तो देखो सर, तो मोनोपोली बिजनेस में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसमें आपको मैं एक साथ तीन ग्राफ दिखाऊंगा, एक साथ तीन ग्राफ को समझाऊंगा, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। कैसे दिखाऊंगा, जैसे आपको पता है सर, ये ग्राफ आपको पता है, यू नो दिस वन, दिस इज योर रेवेन्यू लाइन, ये आपका रेवेन्यू लाइन है, ठीक है, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। रेवेन्यू पहले प्राइस के साथ ही, रेवेन्यू लाइन को देखो सर, ठीक है, दिस इज योर प्राइस लाइन ऑल्सो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने दाम को कम किया, धीरे धीरे आपका डिमांड भी बढ़ा, तो दाम कम करने के साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़ने लगा, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, डिमांड जैसे बढ़ता है, दाम ज्यादा था डिमांड कम था, दाम ज्यादा और ज्यादा हो गया, दाम और कम हो गया डिमांड और ज्यादा हो गया, ठीक है।
इस तरह से आपका आउटपुट बढ़ने लगा। लेकिन धीरे 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 आपका रेवेन्यू क्या हुआ सर, धीरे धीरे आपका रेवेन्यू कम भी हो गया। लेकिन ठीक है, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू है, ये तो आपको मैं पहले भी बताया। लेकिन सर इसके साथ टोटल रेवेन्यू का क्या कनेक्शन है, देखो देखो ध्यान से देखो सर, हाउ दिस ए आर एम आर इज कनेक्टेड विथ टी आर। सर कोई भी मोनोपोली बिजनेस, चाहे वो एम्बेसडर हो या IRCTC हो, आज के डेट में मोनोपोली बिजनेस में रेवेन्यू क्या होता है, पहले पहले ज्यादा रहता है ना सर। आपने देखा किस तरह से बिजनेस ने अपना रेवेन्यू को दिखाया, यहाँ पर जस्ट लुक हियर किस तरह से बिजनेस में अपना रेवेन्यू को दिखाया। पहले जीरो था, फिर धीरे 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 रेवेन्यू बढ़ा, फिर धीरे धीरे रेवेन्यू कम भी हो गया, धीरे धीरे रेवेन्यू कम भी हो गया। तो जस्ट लुक हियर, पहले रेवेन्यू इंक्रीज, जस्ट लुक हियर, धीरे 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 रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। 30 के बाद रेवेन्यू घटने लगा, 28 हो गया, 26 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। तो पहले रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ा तब जब उसका क्वांटिटी भी, डिमांड भी बढ़ने लगा। लेकिन खेल क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कब तक टोटल रेवेन्यू कब तक बढ़ेगा सर, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू जीरो ना हो जाए, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू जीरो ना हो जाए। समझ में आ रहा है सर, अगर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है तो टोटल रेवेन्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गिरना चालू हो जाएगा। हाँ सर समझ में आ रहा है बात, किसी भी मोनोपोली बिजनेस में आपका बिजनेस तब तक बढ़िया चलेगा, चाहे जैसे कि एम्बेसडर कार हो या फिर IRCTC का बिजनेस हो, ठीक है, और भी नाम ले सकता हूँ, इंडियन कोल बिजनेस हो, बहुत सारे हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोल के एक बिजनेस है, वो भी मोनोपोली में है। बट व्हाट इज द कैच पॉइंट, क्या है सर, आपका बिजनेस तब तक मोनोपोली में प्रॉफिट रेवेन्यू कमाएगा जब तक मार्जिनल रेवेन्यू जीरो ना हो जाता, और मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होने का मतलब खतरा है, और खतरा इस बात का कि धीरे धीरे रेवेन्यू कम होगा, और रेवेन्यू ज्यादा कम हो जाएगा तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा, है ना, बिजनेस लॉस में चला जाएगा। और रेवेन्यू ज्यादा कमा के उसको क्या हो जाता है, उसका सींग आ जाता है, सींग मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, इनोवेशन में ध्यान नहीं देता, जैसे एम्बेसडर बंद हो गया। आज अगर एम्बेसडर अपने आप पे ध्यान देता तो आज बेचना ना पड़ता, आज बेचना ना पड़ता सर, बात समझ में आ रहा है, एकदम ग्राफ से ही, ये पूरा एकदम स्टैटिस्टिक से ही लिया गया। लुक एट हियर, जीरो से लेके टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर यहां पर जाके कम होता गया। कब कम हुआ, जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव या जीरो हो गया। जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया, वैसा ही धीरे धीरे इसका नेगेटिव चालू हो गया, और ऑटोमेटिकली एवरेज भी गिरना चालू हो गया, बिकॉज टोटल जिसका गिर जाएगा उसका एवरेज भी गिर जाएगा, इसका टोटल गिर जाएगा, टोटल रिड्यूस तो एवरेज भी ऑल्सो रिड्यूस। समझ में आ रहा है, बोलो, स्टैटिस्टिक्स ग्राफ एवरीथिंग समझ में आ रहा है, बोलो ना सर, बोलो, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, सब चीज बताया आपको, ग्राफ बताया, कैरेक्टर बताया, प्रैक्टिकल केस लॉ बताया, बोलो सर क्लियर है या नहीं, डाउट है तो भी पूछो, क्लियर है तो भी बोलो। यस सर, समझ में आया। ओके सर, तो फिर हम लोगों ने क्या देखा सर, हम लोगों ने ये देखा, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस, बट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो देन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, एंड व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव देन टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस। पॉइंट को याद रखिएगा, अगर इतना देर का मेरा बात अगर आपको दिमाग में घुसा है तो फिर आप जरूर याद रखोगे, लेकिन अगर आप दिमाग से बाहर कर दिए तो आप भूल जाओगे। अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आता सर ये सब बातें, क्यों, क्योंकि सर वो इकोनॉमिकल वर्ल्ड को समझना नहीं चाहता। अगर आपको इकोनॉमिक वर्ल्ड में दिलचस्पी आ गया है ना सर, तभी आप इसको समझ पाओगे। सिर्फ ग्राफ देखोगे ना, देखोगे, रटोगे, आज देखोगे, कल याद करोगे, परसों भूल जाओगे, लेकिन अगर दिल से समझोगे और दिमाग में याद रखोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। बस यही मुद्दा है, पढ़ाई का ही सीक्रेट है सर, सक्सेस का सीक्रेट यही है, अगर इंटरेस्ट आ जाए तो मजा आ जाए सर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा सर,
मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें भी एक ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा आपको। ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको ये पहले वाले रेवेन्यू चैप्टर के अंदर बताया मैं, है ना। ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो डिमांड के साथ पढ़ाया जाता है, जो मैं बाद में फिर से बताऊंगा आपको, बट ऑलरेडी मैंने डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया। अगर ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा ना तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्लास शेयर भी कर लूंगा। आप लोग एक बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्लास ना घर पे देखिएगा, मैं आपको शेयर करूंगा सबको, आज ही कर दूंगा, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझ जाओगे ना, इसमें इसको बोलते हैं सर पॉइंट इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है, मैं क्लास शेयर करूंगा एक बार आपको, आप जरूर देखिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ मैं टोटल रेवेन्यू कंपेयर करना सिखाऊंगा, और तब जाके मैं आपको सिखाऊंगा कि मोनोपोली बिजनेस में इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी सिखाया था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, वैसे मैं आपको सिखाऊंगा मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। अगर मोनोपोली का इक्विलिब्रियम सीख जाओगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि मोनोपोली बिजनेस में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसे होता है, और मोनोपोली बिजनेस सुपर प्रॉफिट कब करता है, मोनोपोली बिजनेस लॉस कब करता है, मोनोपोली बिजनेस लॉस कब करता है, और मोनोपोली बिजनेस सुपर प्रॉफिट कब करता है, और मोनोपोली बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट कब करता है। तो लॉन्ग रन में अगर मोनोपोली टिक गया ना, वो सुपर प्रॉफिट ही करेगा। शॉर्ट रन में या तो लॉस कर लेगा या तो सुपर प्रॉफिट करेगा, लेकिन एक बार लॉन्ग रन में टिक गया ना, वो सुपर प्रॉफिट ही करेगा। मोनोपोली लॉन्ग रन में सुपर प्रॉफिट ही करता है, लाइक IRCTC, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूंगा मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, यस, जो मैं ऑलरेडी आपको बताया, बिकॉज कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है ना, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, अपने मर्जी से दाम लेता है, यस दैट्स ट्रू। एंड मोनोपोली नेक्स्ट क्लास में, और एक क्लास लगेगा मोनोपोली समझाने के लिए, मोनोपोली का बाकी हिस्सा में बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद मैं आपके साथ और दो इंपॉर्टेंट मार्केट है, एक मार्केट का नाम है मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन, एक ही बात है, इम्परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक, और ऑलिगोपोली मार्केट, ठीक है। और ऑलिगोपोली के अंदर मैं आपको डुओपोली भी बताऊंगा। ऐसे दो तीन मार्केट है जो मैं मोनोपोली के बाद आपसे बात करूंगा, तो ये मार्केट चैप्टर तब जाके खत्म होगा सर, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे ही चल रहा हूँ, थोड़ा डिटेल्स में ही समझा रहा हूँ, क्यों? बिकॉज सर ये मौका जिंदगी में और कब फिर से आएगा मुझे नहीं पता, इतने अच्छे से इकोनॉमी को समझने का बार बार मौका नहीं आता, ठीक है। इसलिए ये मौका को गवाओ मत, और इकोनॉमी को दिल से समझो, मार्केट को दिमाग से समझो, ठीक है सर। आज इतना ही है, कोई क्वेश्चन है तो करो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बाकी हिस्सा को बात करने के लिए, बाकी जो पोर्शन है उसका बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। बाय फिर। बाय सर। बाय सर। ओके टाटा।